बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हमारी आज की गुफ्तगु की इस बहुत ही अहम नशस्त में हम आप सब लोगों के सामने हाजिर हैं। हमारा आज का जो मौजू है वुमेन वॉइसेस पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म की जो ऑनलाइन कन्वर्सेशन की जो सीरीज़ है उसके तहत जिसकी आज जो कंटिन्यूएशन है उसमें आज का जो हमारा मौजू है वो बहुत अहम है, क्योंकि इस मौजू पे आजकल हर जगह बात हो रही है। मैं नहीं समझती कोई ऐसा घर नहीं होगा, कोई ऐसा दफ्तर नहीं होगा, कोई ऐसी जगह नहीं होगी जहाँ इस मौजू पे बात नहीं हो रही होगी। और वो मौजू सबको पता है कि रेप का जो एक क्राइम है, क्रिमिनल एक्ट है, इस हवाले से अभी सबको बहुत सारे लोगों को अंदाज़ा है कि अभी रिसेंटली मोटरवे पे एक हादसा पेश आया था और उसकी तफसील में हम इसलिए नहीं जाएंगे अभी क्योंकि उस वाक़े पे बहुत सारे लोग पढ़ भी रहे हैं, बहुत सारे लोग लिख भी रहे हैं, बात भी कर रहे हैं। लेकिन हमारा ये जो आज की हमारी जो गुफ्तगू है इसका बुनियादी मकसद ये है कि हम इस बहस को थोड़ा सा आगे ले जाएं। लाइक लोग तो बहुत कह रहे हैं कि जी ये ऐसा है, ये ऐसा वो वैसा है, ये उसकी गलती है, कोई डिनाइल में है, कोई मान नहीं रहा, कुछ लोग इस पे बात नहीं करना चाह रहे, कुछ लोग बात करना चाह रहे हैं, लेकिन लोग उलझे हुए हैं। उस उलझाव में कुछ सवाल ये भी आ रहे हैं कि शायद हमारे माशरे में आज भी बहुत सारे लोग इस बात पे क्लियर नहीं है कि वो क्या करें, उनका क्या किरदार बनता है इस पे, या इस मौजू को शायद पहले से उन्होंने इतनी संजीदगी के साथ नहीं देखा। लेकिन ये जब इंसिडेंट आया है, हालांकि अभी आप लोग देख भी रहे हैं कि ये एक हादसा नहीं, इसके पे दर पे हमें और भी हादसा का पता चल रहा है जो कि हो रहे हैं इर्द गिर्द, जिसको अब लोग उठाने लगे हैं, जो मैं समझती हूँ कि ये इसी तब्दीली की कड़ी है कि लोग अब ये महसूस करना शुरू कर चुके हैं कि इन मौजूआत पे बात होनी चाहिए, इनका खात्मा तभी हो सकता है जब हम इन पे बात करेंगे। इसीलिए ये केसेस सामने आ रहे हैं। ये नहीं कि ये पहले नहीं हो रही थी, अभी ज्यादा बढ़ गई है, नहीं, ये पहले भी बहुत ज्यादा होती थी, लेकिन अब ये कि अब ये सामने आना शुरू हुई है। इसी मौजू पे हम बात करेंगे, लेकिन हमारी जो हमारा जो गुफ्तगु है उसको जो ज्यादा महवर है वो ये होगा कि आप और मैं और हम सब लोग बात कर रहे हैं, लेकिन हमें सिदरा जैसे एक्सपर्ट्स जिन्होंने ऐसी खवातीन के साथ काम किया है, ऐसे बच्चे बच्चियों के साथ काम किया है, कि जब वो रेप के हादसे से गुजरते हैं तो उस वक़्त क्या ऐसी चीज़ें होती हैं कि जो सोसाइटी में सबको पता होनी चाहिए। हम कभी भी ये नहीं चाहते कि ये हादसा किसी के साथ हो, अल्लाह ना करे कि किसी के साथ हो, लेकिन जिनके साथ हो जाता है तो क्या उनके पास इतनी मालूमात होती हैं कि वो इस पूरे मसले से कैसे निकलें ताकि उनको ना सिर्फ इंसाफ मिल सके बल्कि उनकी नफसियाती, जिस्मानी और ज़हनी सेहत जिस तरीके से मुतासिर होती है वो उसको भी कोप अप कर सके और इस मसले से निकल सके। और साथ में जब ये वो ये समझते हैं कि हाँ अब हमें आवाज़ उठानी चाहिए, अब हमें बात करनी चाहिए, तो जब वो निकलते हैं तो आपके इर्द गिर्द क्या कुछ होता है, कोई सिस्टम है, कोई इदारे हैं कि जहाँ पे आप एक्सेस करके आपको सपोर्ट मिल सकती है, आपकी आवाज़ सुनी जा सकती है और आपको कोई सहूलत मिल सकती है। और ये हम अक्रॉस पाकिस्तान बात करेंगे उस पर, अगर कहीं पे नहीं है तो हम उसको हाईलाइट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इस तरह के ये जो हादसात हो रहे हैं इससे हमें ये भी रियलाइजेशन हो रही है कि हादसात तो बहुत हो रहे हैं, तादाद तो बहुत आ रही है, लेकिन इसको एड्रेस करने के लिए अभी भी शायद हम सिर्फ बातें कर रहे हैं। हमें निज़ाम की तरफ अगर हम देखें, सहूलियात की तरफ अगर हम देखें तो शायद अभी भी बहुत कमी है। इसी के साथ में हमारी दोस्त सिदरा हुमायूं के पास मैं जाऊंगी। उनके पास जाने से पहले मैं एक चीज़ का सिर्फ एक डिस्क्लेमर देना चाहती हूँ, ये है कि इस मौजू पे अगर मैं कुछ जानती भी हूँ तो आज जब मैं सिजरा के साथ जब इस पर मैं बात कर रही हूँ तो मैं ऐसे बात कर रही हूँ कि जैसे मैं एक आम खातून, एक आम सोसाइटी का एक बंदी हूँ, एक बंदा हूँ कि जिसको कुछ नहीं पता इस हवाले से, जो एक कॉमन लेमैन के सवालात होते हैं। मैं चाहती हूँ मैं वो सवालात सिदरा से पूछूं। मैं यहाँ पे बड़ी कोई एक्सपर्ट लेवल की बात नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये इसलिए मैं कह रही हूँ कि मुझे ये रियलाइजेशन है कि हमारे बहुत सारे लोग बहुत बुनियादी बुनियादी चीज़ों को नहीं जानते, इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं ये सवालात अपनी सोसाइटी के उस तनाजुर को देखते हुए वो सवालात मैं चाहती हूँ कि मैं सिदरा से वो पूछूं। और सिदरा के साथ मेरी बात भी हुई है कि हाँ बहुत ज़रूरत है बेसिक चीज़ों पे बात करने का। इसी के साथ ही मैं ज़्यादा, क्योंकि बहुत टाइम मैं लूँगी सिदरा का, मैं चाहती हूँ सिदरा ज़्यादा बात करें, मैं कम बात करूँ। सिदरा
खुश आमदीद। और सबसे पहले मैं चाहती हूँ इस इवेंट जो अभी रिसेंट हादसा हुआ है इसके हवाले से ओवरऑल आपकी जो ख्याल है उस पर बात करें, और फिर हम मौजू पे स्पेसिफिक हम जो सवाल चाहते हैं जो गुफ्तगु चाहते हैं हम उस पर आके फिर बात करेंगे। लेकिन मैं ज़रूर चाहूँगी कि ज़ाहिर है हम सब की अपनी भी हम हसास हैं, हम इन इशूज़ पर काम करते हैं, जब इस तरह के हादसा होते हैं तो ज़ाहिर है हम पे क्या गुजरती है। तो मैं चाहती हूँ आप इस इवेंट के हवाले से पहले ज़रूर बताएँ कि आपने क्या महसूस किया। बहुत शुक्रिया। आपकी जो ये एफ़र्ट है वो मेरा ख्याल है कि प्रेसिडेंट होगी रेप सर्वाइवर्स के हवाले से गुफ्तगू को इनिशिएट करने वालों में, तो मैं इस हवाले से आपकी हिम्मत और आपकी बहादुरी को बहुत सराहती हूँ। और मेरी मुझे बहुत खुशी है कि इस मौजू पे बात करते हुए हमारे दरमियान कोई बैरियर नहीं है, हम सब वो लोग बैठे हुए हैं जो इस मौजू को जानना चाहते हैं, खंगालना चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि अगर ये किसी के साथ हो तो उसको फौरी तौर पे क्या करना चाहिए, ये होता ही क्यों है, अगर हो गया है तो फिर क्या करना चाहिए। तो ये सब सवालात के साथ हम आज यहाँ पे बैठे हैं, और हमें हम अपने कारीन के साथ ये भी शेयर कर लें कि ये गुफ्तगू ज़रा तवील जाएगी, हम ज़्यादा गुफ्तगू के मॉड के साथ यहाँ पे जो हैं वो दोनों मौजूद हैं और अपनी पूरी कमिटमेंट्स जो हैं उनके साथ यहाँ पे मौजूद हैं। इस केस के हवाले से मुझे जिस रात ये वाक़या हुआ उसी वक्त ही जब टीवी पर ब्रेकिंग न्यूज़ की सूरत में चला तो मुझे पता चला कि ऐसा वाक़या हो चुका है, और ये उसके ज्योग्राफिक जो तायुन है उससे मुझे फौरी तौर पे समझ आ गई कि ये मोटरवे से चंद किलोमीटर टोल प्लाजा से पहले या बाद के बाद की बात है, क्योंकि आपने देखा है कि हम सब मोटरवे पे जब सफ़र करते हैं तो टोल प्लाजा आने से पहले भी एक हिस्सा है और एक टोल प्लाजा गुजरने के बाद भी एक ऐसा चंद किलोमीटर का जो है वो रास्ता होता है जो बड़ा, जिसमें आप टर्न लेके दूसरे सिटी में प्रॉपर आप एंटर हो जाते हैं। हम सब ड्राइव भी करते हैं, दूसरे शहरों में जाते हैं, तो मुझे ज्योग्राफिकली अंदाज़ा हो चुका था कि ये कहाँ की बात है, क्योंकि जो मीडिया ने ब्रेक की थी बात उसने गुजरपुरा और मोटरवे की बात करनी शुरू कर दी थी। तो मैं क्योंकि लाहौर से हूँ और मैंने जब लाहौर में काम करना शुरू किया तो उस वक्त 77 थाने थे लाहौर में, और जब मैंने लाहौर से काम करके इस्लामाबाद की तरफ में आई जब तो मुझे तो अब तक तकरीबन 100 थाने जो हैं वो लाहौर में हो चुके हुए हैं। तो आप ये देखिए कि मैं गुजरपुरा और इस सारे एरिया और मैं सबको जानती थी, मुझे पता था, तो मुझे ये समझ आ रही थी कि ये गुजरपुरे का वाक़या नहीं है और ये रिंग रोड से थोड़ा आगे का वाक़या है और वहाँ पे से कोई कनेक्टिंग रोड है। इस वजह से मैं उसकी ज्योग्राफिक जो हदूद है उसके हवाले से मेरा मीडिया पे फौरन एक जिसे कहते हैं कि तश्वीश थी और मुझे फिक्र थी कि मीडिया इसकी जो बेसिक और इसकी इनिशियल जो फैक्ट्स हैं उनको तबाह कर रहा है, ठीक है। क्योंकि मैं जब केसेस को हम देख रहे होते हैं वॉर के प्लेटफॉर्म से, ह्यूमन राइट्स कमीशन के प्लेटफॉर्म से जब लोग देख रहे होते हैं तो हम फॉरेन फैक्ट फाइंडिंग के मोड में आ जाते हैं कि असल बात क्या है, असल क्या हुआ होगा, और अपने तजर्बात की रोशनी में हमें फौरन अंदाज़ा हो जाता है कि फैक्ट्स जो इस वक्त मीडिया ब्रेक कर रहा है वो नहीं है बल्कि कुछ और बात है। अब आप ये देखिए कि मैं इस वाक़े के हवाले से मज़ीद जो मुझे इसके अंदर एक बड़ी हिम्मत मिली, मैं बहुत हौसले में आई, मुझे बहुत इस बात पर सुकून महसूस हुआ कि वो खातून जो है वो आखिरी वक्त तक फाइट मोड में थी, वो उसने उन खातून ने अभी तक कोई बात नहीं की कहीं पर, और बार दफ़ा ऐसे लगता है कि उनको बार बार जेरे बहस ला के हम कहीं उन्हें हर्ट ही ना कर दें और उनको तकलीफ ही ना हमारी वजह से पहुंच रही हो, लेकिन उन्होंने जो बहादुरी ये दिखाई है कि आप ये देखें कि जो डॉल्फिन पुलिस का जो एहलकार जो उस वक्त आई विटनेस के तौर पे उनके पास गया, उसने बच्चों की शूज़ देखे जो थोड़े थोड़े फासले पर पड़े हुए थे जो मोटरवे से नीचे उतर के जंगल का इलाका जिसे आप ग्रीन बेल्ट या दूसरे ये समझ लें कि वो जंगल का इलाका जो शुरू हो गया हुआ था जहाँ पे दरख्तों का झुंड था, तो वहाँ पे उसने जो बच्चों के जूते और ये चीज़ें देखी तो उसने जब आवाज़ दी तो वो खातून ने सिर्फ भाई कह के एक आवाज़ दी और उसके बाद उसने अपने पास नहीं आने दिया।
आप ये देखें कि मुझे जैसे ही पता चला कि शी इज नॉट हैविंग अनदर नेशनैलिटी एज वेल, तो मुझे उसकी सारी प्रोफाइल समझ आ गई कि ये खातून जो है वो इतनी ओरिएंटेड है कि उसने किस तरह से अपने आप को हैंडल करना है। बहुत सी चीजें इसके ऊपर हो सकती हैं और बहुत सी चीजें इसमें डिनाई कर दी जाएंगी सिस्टम की बेहिसी की वजह से, जिसमें कहा जाएगा कि खातून ने ये बात तो बताई नहीं थी कि उसके सर पे कोई खड़ा है और उसको कोई रेप करने लगा है। तो ये बात, मतलब इस तरह की कई चीजें होंगी, लेकिन मैं जो इस बात को आप लोगों की तवज्जो आप दिलाना चाहती हूँ वो ये कि देखें, खातून के साथ जितना ज्यादा जुल्म हो चुका था कि वो इज्तमाई एक क्राइम के से गुजर चुकी थी, लेकिन वो फिर भी अपने बच्चों को अपने करीब रख के और उस शख्स को भी करीब नहीं आने दे रही थी, कि ये उनकी सेंसेस जो हैं वो कमाल सेंसेस थी। ठीक है, तो मैं इस बिल्कुल हवाले से मैं ये जरूर तवज्जो दिलाना चाह रही थी कि शी वॉज फाइटर टिल द एंड, उन्होंने पूरी कोशिश की। वो जिस एनी शाहिद ने, जिस आई विटनेस ने फोन के जरिए 130 पे और 15 पे कॉल की, 15 पे आई थिंक जिन्होंने कॉल की, सियालकोट के रिहायशी हैं वो, तो उन्होंने भी यही कहा कि वो उसको खींच के लेके जाते थे और वो जो है वो उनसे बच रही थी, यानी शी वॉज नॉट लाइक अपने आप को सरेंडर करने के लिए वो तैयार नहीं थी। तो ये बात बहुत अहम है मेरे लिए, मैं ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट के तौर पे इस चीज को बहुत अहम समझती हूँ कि जितनी वो हिम्मत कर सकती थी उन्होंने की, और ये हम सब की बदकिस्मती है कि वो हमारे मुल्क में एक मेहमान थी और हम उनके लिए अच्छे मेजबान साबित नहीं हो सके। तो अभी आप मजीद कोई बात जो है वो कर सकते हैं। अच्छा सिद्रा, जितने लोग सुन रहे हैं वो भी, उनको भी जाहिर अंदाजा हो गया होगा कि जो आपने बातें की हैं कितनी अहम है। हम शायद खबरों में सनसनी ही ढूंढते हैं और वो असल जो हकायक होते हैं वो भूल जाते हैं। आपने जब ये बात की है तो मुझे पर्सनली रियलाइज हुआ है कि हाँ, मतलब हम कैसे चीजों को वो करते हैं, लाइक ओवरलैप करते हैं या इग्नोर कर देते हैं। यहाँ पे बहुत दिनों से यही बात हो रही है, हर कोई कह रहा है कि हम क्या करें। तो वो हम क्या करें वाला रोल जो है वो सिद्रा की हर बात के अंदर मौजूद है कि सबसे पहले ये कि हमें हसास तो थोड़ा सा इस मुद्दे पे होना चाहिए। मैं सवालात की तरफ आऊंगी डायरेक्टली। सिद्रा, आपने बात की क्योंकि बहुत अहम है, मैं चाहती हूँ आज की जो हमारी गुफ्तगू है वो बहुत रेलेवेंट हो। सबसे पहले तो मुझे वही एक आम सा सवाल, सबसे पहला जो बुनियादी है, जो कि शायद आज भी हमारे सोसाइटी में है, रेप है क्या? और क्या ये वाकई हमारे इर्द गिर्द ये मसला है, और क्या ये अभी भी एक झूठ है? क्योंकि शायद अभी भी बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जी ये नहीं है इस तरह से, तो ये डिनाइल क्या इस वजह से कि हाँ कि वाकई क्या ये झूठ है बताते खुद या ये है? देखिए, जिन मुआशरों में वॉयलेंस, तशद्दुद ज़्यादा होता है, चाहे वो जुबानी तशद्दुद है, चाहे वो इमोशनल तशद्दुद है, माशी है, माशरती है, जिंसी है या जिस्मानी है, जिस भी तरह का तशद्दुद मौजूद है, वहाँ पर तशद्दुद की सबसे बदतरीन शक्ल जो है वो रेप है। रेप जिंसी ज्यादती को कहते हैं या जबरजंसी को कहते हैं, और ये जबरजंसी जो है इसका इसको ये एक ताकत है, ये एक पावर है जो अपने से कमजोर के ऊपर एक्सरसाइज की जाती है। ठीक है, और इस एक्सरसाइज का मकसद जो है वो सिर्फ और सिर्फ अगले को शर्मिंदगी, बेइज्जती, कमतर महसूस कराना, पावरलेस महसूस करवाना, और ये महसूस करवाना कि मैं तुमसे ज्यादा ताकतवर हूँ। अब जब मर्द औरत के खिलाफ ये वाला तशद्दुद करता है तो उसमें मर्द अपने जिंस की बर्तरी हासिल करने की एक कोशिश करता है, और उसके ऊपर एक ललकार उसके सामने उसकी एक हमें नजर आती है इस एक्ट के करने के दौरान और बाद में, कि आप ये देखें कि ये तमाम एक्सरसाइज यानी एक्टिविटी जो है वो सिर्फ और सिर्फ ताकत की बुनियाद पर हो रही है। एक शख्स अपना मुसलसल बचाव कर रहा है, एक शख्स मुसलसल अटैक कर रहा है। ठीक है, तो जहां पे हम मौशरे की बात करते हैं तो मौशरा फौरी तौर पे औरत को जब इल्जाम देने लग जाता है और डिनाइल की बात में, डिनाइल के मोड में आ जाता है, तो उसको ये हरकत समझ नहीं आती कि एक औरत मुसलसल अपना दिफा कर रही है। वो हो
हो सकता है कि वो सदमे से बोल भी ना पा रही हो, चीख भी ना पा रही हो, फिर भी वो अपने आप को बचाने की कोशिश कर रही होती है, तो वहां पर दिफा जो है उसकी बुनियाद पर ही मर्द की इस हरकत को जुल्म तसव्वुर करके फौरी तौर पे उस खातून का साथ देने के लिए हमें बढ़ जाना चाहिए। तो ये रेप है। और डिनाइल या ये बात कि हम कहें कि लोग नहीं मानते, लोगों ने नहीं मानना, आपकी मेरी और इस वक्त जितने लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, बाद में देखेंगे, हमारी हिम्मत कम नहीं पड़ेगी इस वजह से कि ये एक दफा की सूरत में खातून जिस सूरत में होती है, देखिए आप उस एक्सरसाइज को आप सोच के देखें कि आपके तन से कपड़े नोचे जा रहे हैं, आपको ह्यूमिलेट किया जा रहा है, बेहुर्मत किया जा रहा है, और आप ये देखें कि हम सो भी रहे हो तो हमारी मर्जी से अगर कोई चादर हमारी खींच ले तो हम जो है वो कैसे घबरा के उठते हैं, और हमसे मुराद इंसान है ना कि औरत या मर्द है, ठीक है, एक बच्चा है वो किस तरह से अपने जिसको वो पसंद नहीं करता वो उसकी तरफ देखना नहीं चाहता या फौरन मुंह उधर कर लेता है, ठीक है, तो फिर आप एक औरत को जब आप जो है माशरे औरत को इंसान नहीं समझते, वहां पर रेप जो है वहां पर डोमेस्टिक वायलेंस बहुत ज्यादा होगा। जी अच्छा सिद्रा, बिल्कुल मेरे ख्याल में लोग सुन रहे हैं और बहुत रेलेवेंट है आपकी जो बातें हैं, बिल्कुल वो जो ग्राउंड रियलिटीज है उनको टच कर रही है और दिलों को भी टच कर रही हैं। हम मैं चाहती हूँ लोगों के दिलों में ये बातें उतरे। सिद्रा, जिस तरह मैंने बात की, थोड़ा सा मैं अपने उस सवाल में दोबारा आपसे ये पूछूंगी कि जो हमने कहा जब हम क्या जब इसकी ये जितनी तादाद में ये हो रहा है हमारे इर्द गिर्द, अगर उस तादाद को हम देखें तो वो अच्छी खासी है, ठीक है, उस तादाद में शायद अभी भी एक मसला है कि वो आपको और हमारे लोगों को पता है कि ख्वातीन से मुतालिका बहुत सारे जो केसेस होते हैं वो रिपोर्ट नहीं होते। तो हमारे पास अभी भी जो डेटा आता है कि कहा जाता है कि 4,000 है, 5,000 है, या इतना है सालाना, इतना है सालाना, ये भी ज्यादातर उनका है कि जो कोर्ट या थाने में चली जाती हैं जो केसेस, जो ख्वातीन खुशकिस्मत होती हैं कि उसके साथ उसके घर वाले उसके लोग कड़े हों और वो जाए, क्योंकि बहुत सारे तो रिपोर्ट नहीं होते, घर के अंदर दबा दिए जाते हैं, माशरे में दबा दिए जाते हैं, या लोकल जर्गों में ले के चले जाते हैं लोग उसमें, लेकिन लोग नहीं लेके जाते। सो यहाँ पे क्या ये जो हमारी बेहिसी है लोगों की, क्या ये इसकी तादाद की वजह से कि जो असल तादाद है जब तक वो नहीं आएगी और जब लोगों को ये नहीं पता चलेगा कि इतनी बड़ी तादाद में हो रहा है तब ये होगा, क्या ये जरूरी है कि बुराई बड़ी तादाद में लोगों के साथ हो तब हमारे लोगों को एहसास होगा, या ये जितना हो रहा है चाहे वो एक केस है, 1,000 केस है, 1,00,000 केस है, लेकिन अगर किसी एक इंसान के साथ भी हो रहा है तो क्यों, मतलब क्यों इस पे बात नहीं होनी चाहिए और काम इस पे, या इस पे जो इन्वेस्टमेंट की जब हम बात करते हैं, रिसोर्सेज का इस पे लगाने की जब हम बात करते हैं, इसलिए इस मसले को अभी तक इतना इग्नोर किया गया है, क्योंकि मुझे इसका लिंक मिलता है उस सोच से कि चूंकि आपके माशरे में इस पे इसको संजीदगी से नहीं लिया जाता, इदारों में भी और पब्लिक में भी, सो आपके फिर इर्द गिर्द सिस्टम नहीं इसके इर्द गिर्द बनाया जाता, तो हमेशा केस आते हैं उस पर बात होती है, फिर अगले हम वो दिन भूल जाते हैं, फिर हम मूव ऑन करते हैं कि चले, फिर अगला एक और केस आता है। तो ये जो अदादशुमार के इर्द गिर्द आप थोड़ा सा बताएं कि इसमें, क्योंकि अभी भी हमारे लोगों की सुई कहीं ना कहीं इस पे अटकी है कि बहुत कम हो रहा है, कोई बात नहीं। देखिए अदादशुमार की तादाद जो है वो समाजी कारकुन को तो एक भी हमें हमारे लिए समुंदर है, एक के साथ भी नहीं होना चाहिए, किसी के साथ भी नहीं होना चाहिए। जहाँ तक बात यह है कि अदाद व शुमार ज़्यादा होंगे तो इदारे हरकत में आएंगे या कुछ, तो आप ये देखिए कि जो स्टेटस ऑफ वुमन है वो पाकिस्तान में औरत का जो मुकाम है वो बहुत पहले ही वीक है, हमारे वोट को काउंट नहीं किया जाता, आपसे बेहतर कौन जानता है इस बात को, हमारे वजूद को काउंट नहीं किया जाता, हमारी राय को काउंट नहीं किया जाता, हमारे एहतजाज को काउंट नहीं किया जाता, ठीक है, जितना मार्जिनलाइज सेगमेंट है हम एज अ जेंडर, तो उसकी वजह से हमारी एक औरत के साथ हो रहा है या 20 के साथ हो रहा है, वो कंसीडर उनको यही है कि औरतों के साथ तो होता ही ऐसा है, ठीक है, तो औरतों के साथ होता ही ऐसा है, उसके बाद वो अपना चेक बॉक्स ऑन कर लेते हैं कि
गरीब थी, गरीब के साथ होता ही ऐसे है। अमीर थी, ओहो इसने कपड़े ऐसे पहने होंगे इस वजह से। कोई वर्नरेबल सिचुएशन है उसको वो काउंट कर लेंगे। तो इस वजह से अदादोशुमार के हवाले से मैं तो बिल्कुल ये कहूंगी कि मुझे तो एक केस भी जो है वो तकलीफ देता है, आपको देता है, हम सबको तकलीफ में मुबतला कर देता है। ये फैक्टर्स होते हैं कि हम उसके बाद उसकी शिद्दत को महसूस करते हुए ये देखते हैं कि उसकी उम्र क्या थी, उसके बाद वो देखने में कैसी थी। आप यकीन कीजिए कि जब मैं वॉर के प्लेटफॉर्म से काम करती थी, और ये बात है 2000 के डेकेड की, तो अखबारात में जो खबर है वो मुतासरा खातून या बद होती थी लड़की, उसके हवाले से जो रिपोर्टर है वो देखने के बाद खबर की हेडिंग लगाता था, दुशीजा के साथ, कम उम्र के साथ, कम सिन के साथ, नौ उम्र के साथ, तितली के साथ। ये वाले लफ्ज जो हैं वो अखबारात में और शाम के अखबारात में जो हैं वो शाया हो रहे होते थे। और उस वक्त हम जो हैं वो इहतजाज या खतूत की सूरत में या इनकी ट्रेनिंग्स की सूरत में अखबारात को लिखते थे, बताते थे कि, और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के जरिए उनको बताते थे कि आप ये अल्फाज इस्तेमाल ना करें। असल में प्रॉब्लम उस डेकेड में आ चुकी थी जिसने अब नमनेस पैदा कर दी है, जिसने अब आके इस चीज को नॉर्मलाइज करने की तरफ जा रहा है। और मैं इसमें इजाफी बात ये करूं कि CCPO के बयान और हुकूमत वक्त के बयान ने इसको स्ट्रेंथन कर दिया है, और ये हमारे लिए ऐसा मुकाम है कि जिसमें हम हिल के रह गए हैं कि हुकूमत वक्त ने भी इस बात को एंड्रोज कर दिया कि वो जो कह रहा है वो ठीक कह रहा है। अब जो है वो क्योंकि इंटरनेशनल लेवल तक इसके बात की बात गई, तो अब उनकी जो अपोलॉजी आई है वो अपोलॉजी को मायने नहीं रखती है, क्योंकि आपका जो इमीडिएट रिस्पॉन्स टूवर्ड्स द क्राइम एंड इनजस्टिस दैट काउंट्स अ लॉट, वही काउंट होता है। बाद में आपने जो कहा या किया या हो गया, और आपने कौन से दिल से वो माफी मांग ली है, दिलों के हाल अल्लाह बेहतर जानता है, हम नहीं उसके बारे में कुछ भी कह सकते, लेकिन आपने जो मैसेज देना था वो इतना बुरा मैसेज चला गया है कि उसके बारे में हमें दोबारा बहुत सी बुनियादों पर काम करना पड़ेगा। आप अगला सवाल कर सकते। बिल्कुल सिदरा, बहुत अहम है। असल में वही है कि हर इशू जो है, हर एस्पेक्ट जो है वो दूसरे से इतना जुड़ा है कि वो आ जाता है। इसलिए आपने जब माइंडसेट की बात की, तो जब आपने हम माशी की बात कर रहे हैं, लोगों की बात कर रहे हैं, आपने इदारे की बात की, CCPO ने भी जो बयान दिया था उसकी बात की, और उस पर देखें ये बात सही है कि हम कोई ख्वामख्वा कोई भी नहीं चाहता कि उनके जॉब में कोई प्रॉब्लम हो, उनको कोई प्रॉब्लम हो, लेकिन और कोई ये भी नहीं चाहता कि आप इस्तीफा दे दें, क्योंकि मैं खुद भी ये कहता आपने इस्तीफा दे दिया तो वो बयान वापस नहीं आ सकता। लेकिन ये कि आप अपनी सोच बदलें, आप माफी मांगने के बजाय अब आप आए ऑनलाइन और आप कहें कि हाँ मुझसे ये गलती हुई थी और आइंदा मेरी ये इस सोच को मैं बदलने की कोशिश करूंगा, क्योंकि इस सोच से वाकई बहुत सारे लोगों का लाशौरी तौर पर दिल में खौफ और डर बैठ गया है, जिनके बच्चियां, जिनकी बेटियां, जिनकी बीवियां, जिनकी माएं बाहर काम करती हैं। और बात यही है कि हम सिदरा बाहर जाना नहीं छोड़ सकती, हम बाहर जाएंगी। और अब तो मैं समझती हूँ कि इन द लॉन्ग रन इन क्राइम्स को खत्म करने का एक तरीका तो ये भी है कि हम अपने काम और तेज करें, हम अपनी स्ट्रगल और तेज करें। हम तो अब इस स्ट्रगल को रोक भी नहीं सकते, इसलिए नहीं रोक सकते कि ये माशरा हम उन लोगों के हाथों में नहीं छोड़ सकते कि जो इसको इस लेवल पे पहुंचा देंगे, और फिर जाहिर है उसका इम्पैक्ट आप जंगों में देखें, आप तनाजों में देखें, उसका जो फौरी असर है वो सबसे पहले बच्चियों, बच्चों और औरतों पे आता है। तो फिर उस माशरे का वो इम्पैक्ट चूंकि हम पे पड़ेगा, तो इसलिए हमने काम भी करना है। और भाई आपकी बात सही है, जो भी बंदा हो उसको बड़ी जिम्मेदारी के साथ अपनी बात करनी चाहिए। अच्छा सिद्रा, मैं अपनी जी, ये टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी है जिसमें yes. आप अंदर एक मवाद है, एक ऐसा गुस्सा है उस जेंडर के खिलाफ जिसके ऊपर आप अपने आप को फौकियत देते हैं, आप अपने आप को बड़ा तस्लीम करते हैं और समझते हैं, और आप उसकी एक्सरसाइज करने निकल पड़ते हैं।
मैं तो ये कहूंगी कि मर्दों को, उन मर्दों को जिनके साथ, जो इस सोच के साथ चल रहे हैं, जैसी सीसीपीओ की सोच है, उनको ये सोचना होगा कि क्या उनके जिस्म उनके हथियार है। वो सोचें अपने कि वो अपने जिस्म को किसी के खिलाफ हथियार के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये तो कोई माँ नहीं दुआ मांग के बेटा पैदा करती कि उसका बेटा जो है वो जाके किसी के खिलाफ ऐसे हथियार के तौर पे करे अपने जिस्म को हाँ इस्तेमाल। देखिए, मैं आपको एक मिसाल दे के समझाती हूँ कि हाँ मैं इंसेस्ट पे एक रिसर्च कर रही थी और मैंने एक डॉक्टर साहब से ये सवाल किया कि क्या इंसेस्ट जो है वो आपके पास कोई केस आए, और इस तरह से तो उसने मुंह उधर करके कहा कि मैं गंदी बात नहीं सुनना चाहता। तो मैंने कहा कि सर गंदी बात, सॉरी मैं औरत होके गंदी बात कर रही हूँ, मैं माजरत चाहती हूँ, लेकिन मैं आपसे सिर्फ ये कहूंगी कि अगर कोई केस आया था तो फिर आप उसको किस तरह से देखते हैं। तो उन्होंने कहा हाँ आया था, औरत का ही कसूर था। तो मैंने कहा थोड़ा सा समझा दें। तो उन्होंने मेरे लिए एक जो है वो सॉफ्ट ड्रिंक मंगवाई। तो मैंने उनसे कहा कि मेरा गला खराब है, मुझे डॉक्टर ने मना किया है। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं पी लें। मैंने कहा कि मैं आपको सर यही कहूंगी कि अगर औरत लिबास के बगैर भी आ जाए तो मेरे रब ने मना किया है तो नहीं पास जाना। तो इसी तरह मुझे इस सॉफ्ट ड्रिंक के लिए मेरे डॉक्टर ने मना किया है तो मैं नहीं पीऊंगी। तो आप ये देखें कि आपको अगर तन्हाई में आधी रात में एक औरत मिल भी गई तो आपको क्यों लगा कि आपने उसके ऊपर अटैक करना है? आपको क्यों नहीं ये समझ आई कि आपने उसकी मदद करनी थी? आपको ये क्यों नहीं अंदाजा हुआ कि वो इस वक्त अपने 3 बच्चों के साथ रात के 2:30 बजे आपके लिए वहां पे नहीं खड़ी थी? आपके लिए वो नहीं खड़ी कोई भी औरत सड़क के ऊपर। ये हर मर्द को समझना पड़ेगा कि हम बाहर उनके लिए नहीं निकल रहे, हम अपनी कैपेबिलिटीज को, कैपेसिटीज को, अपनी तालीम को, जो हमारे माँ बाप ने किस तरह से मेहनत करके हमारी फीसें दे के हमें पढ़ा के, इस सिस्टम के अंदर हमें पढ़ा के, हमें कॉन्फिडेंस दिया है, हम उसके लिए बाहर जा रहे हैं। हम ना आपकी सिटी के लिए बाहर जा रहे हैं, ना हम आपसे हाथ लगवाने के लिए बाहर जा रहे हैं। आप तो किसी को भी नहीं छोड़ते। 80 साल की खातून जो है वो कंपाउंडर के पास जाती थी और उसने मुझे आकर बताया कि वो मुझे टीका लगाते हुए मेरे साथ बुरी हरकतें करता है, बेटा तुम मेरे साथ चलो और उसको जाके समझाओ। तो आप तो किसी को भी नहीं छोड़ रहे। इसका मतलब है कि आपकी वालदा ने, आपकी बहन ने, किसी ने नहीं आपको कहा। आपने सोसाइटी से जो लाइसेंस हासिल करना था और जो नेगेटिव चीजें हासिल करनी थी वो लेके आप अप्लाई करते जा रहे हैं। तो इसके लिए हम और अपनी जद्दोजहद तेज करेंगे, हम इस मौजू को और इस बात को और आगे बढ़ाएंगे। बिल्कुल, क्योंकि ये जो मौजू है ये अब सिर्फ औरत का नहीं है, ये सिर्फ लड़की या बच्चे का किसी का नहीं है, ये उन लोगों का भी है कि जो हमारे साथ खड़े हैं, जिसमें बहुत सारे मर्द हैं जो कि हमारी बात समझते हैं, हमारे साथ खड़े हैं, और वो नहीं चाहते कि ये माशरा गैर महफूज हो। सिदरा, आपने हर सवाल के जवाब में जब आप बात करती हैं तब बड़े अहम एस्पेक्ट्स को कवर कर रही हैं। यहाँ पे मैं आगे थोड़ा सा चलूंगी, लेकिन मैं थोड़ी सी एक मिसाल भी देना चाहूंगी, हम क्योंकि मैं चाहता हूँ लोग रिलेट कर देंगे। मैं अपनी यूनिवर्सिटी में हमारी ऑर्गेनाइजेशनल ऑर्गेनाइजेशनल उसकी बिहेवियर की हमारी बुक थी, सब्जेक्ट था, ठीक है, उस पे हमारा उसके अंदर था हरासमेंट का एक टॉपिक था कि वर्क एट हरासमेंट एट वर्क प्लेस। और जिस दिन हमारी यूनिवर्सिटी में जब क्लास थी उसमें जब ये टॉपिक था तो इस्लामाबाद में, सो उसमें उस दिन हमारी टीचर ने कहा कि ये नहीं होता, उस चैप्टर को उसने स्किप कर दिया इस्लामाबाद में यूनिवर्सिटी में। तो मुझे काफी दुख हुआ, मैंने उस पर बात की थोड़ी सी अपनी ख्वातीन के साथ और वहां पे हमारे जितने क्लास फेलो थे उनके साथ बात की कि ये होता है, इस पर बात होनी चाहिए। लोगों ने कहा नहीं, ये नहीं होता हमारे गिर, उस पर क्या आप घर में पढ़ लें। मैं उसको घर में पढ़ सकती थी, लेकिन अगर वो निसाब में शामिल है, आपके किसी किताब का हिस्सा है, इसका मतलब है कि उसकी अहमियत थी कि उस पर बात की जाए। सो ये उसके साथ रेलिवेंट है जो आपने बात की कि हम जब इन पर हम इस इशू पे बात नहीं करना चाहते, लेकिन जब ये इशू हो तो उसको हम ना शर्म समझते हैं ना उसको गलत कहें, हम फिर भी डिनाइल में होते हैं, कहते हैं नहीं इस खातून ने कुछ किया होगा, इसके कपड़ों में कुछ होगा, ये सारी चीजें।
लेकिन ये बहस चलेगी और भी चलेगी, चलनी भी चाहिए। सिद्रा, मैं अगला आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आते हैं उस इंसान की तरफ से तरफ की जब उसके साथ ये वाकया होता है, आपने उस खातून का जिक्र किया कि वो तो बड़ी बहादुर थी, वो अपने बच्चे भी उसके साथ थे, उसने पुलिस वालों को क्योंकि वो लोगों ने इंटरव्यू में सुना होगा उस बंदे को जो डॉल्फिन वालों का वो जो बंदा था कि वो उसको नहीं आने दे रहे, तो उसने भाई भी कहा वो आई, उन्होंने जब वो के इंसिस्ट किया तो वो फिर उसने वो कहा है, और खैर वो गुफ्तगू भी बड़ी दिलखराश है जब वो हमें आके उस खातून ने क्या कहा, वो जो गुफ्तगू थी। सो सिद्रा, बहुत सारी खवातीन को नहीं पता कि अल्लाह ना करे कि बच्चों को भी नहीं पता होता, अभी तो हमारे लोग कह रहे हैं और सही बात है बहुत बच्चे बच्चियों को तो ये नहीं पता, और हम सोच भी रहे हैं कि कैसे बताएंगे उनको ये चीज़ें कि जब आपके साथ ये होता है तो आपने उस वक्त क्या करना है, आप अकेले होंगे, वीरान जगह होगा, अंधेरा होगा, आप अकेले होंगे, आपको तकलीफ हो रही होगी, आपकी पता नहीं उस वक्त ज़हनी कैफियत क्या होगी, उस कैफियत में फिर भी चूंकि आपने इस पे काम भी किया और ये होना चाहिए कि आपको पता हो, क्योंकि इससे आपकी ज़िंदगी ख़त्म नहीं होने होती, यहाँ पे एक इवेंट है, हो जाता है, यहाँ पे अपने आप को संभालना पड़ता है। तो जब संभालने की बात आती है, यहाँ पे आप थोड़ा सा बताएं कि उस वक़्त जिसके साथ रेप होता है वो बंदा क्या करे, किसको बात करे, किसको अप्रोच करे, क्या काम करे सबसे पहले? देखिए, सबसे पहले तो जो भी कोई फ़र्द है, मर्द है, औरत है, बच्चा है, कोई भी है, उसको ये करना होगा कि उसने सबसे पहले नहाना नहीं, उसने गुसल नहीं लेना, ठीक है, ये वो सबसे पहला काम करेगा। क्योंकि देखिए ये एक ऐसा अमल है, क्योंकि उसने एक वो जंग में से गुजरा है, वो शख्स उसको अपने आप से जो है वो एक नफ़रत महसूस हो रही होगी, उसे बुरा लग रहा होगा। जाहिर है कि अगर वो किसी ऐसी सरफेस पे था जहाँ पे मिट्टी थी, कोई कीचड़ था, कोई घास थी या कुछ था, कोई गंदगी थी, कुछ उसको लगाए, तो उसको चाहिए कि वो गुसल ना ले। ये सबसे पहला काम वो अपने लिए जो है वो एक सबूत इकट्ठा करने की तरफ जा रहा होगा, ठीक है। फिर उसने जो भी लिबास पहना है उसको एक साफ लफाफे में जिसके अंदर कोई चिकनाई ना लगी हो, जिसके अंदर कोई कोई और केमिकल ना हो, ऐसा लफाफा लेकर उसके अंदर वो लिबास जो है जो उसने पहना हुआ था उस वक़्त, चाहे वो फट चुका है, चाहे उसके ऊपर मिट्टी लगी हुई है या जो भी है, वो सब कुछ जो है वो उस लफाफे में एक में डाल के उसको सील कर ले, यानी उसको अच्छी तरह बंद कर दे, गिरा लगा लें उसके ऊपर या कुछ इस तरह से कर लें। फिर उसके बाद वो शख्स जो है वो ऐसा कर सकता है, मुतासरा शख्स, खातून या बच्चा या बच्ची या ट्रांसजेंडर, वो फौरी तौर पे दो जगह पर जाने के लिए कानून के मुताबिक वो जा सकते हैं। नंबर वन, वो मुतल्लिका थाने जा सकते हैं। नंबर टू, वो मुतल्लिका हस्पताल जा सकते हैं, ठीक है। और मुतल्लिका से जब मैं ये कह रही हूँ तो आपका, क्योंकि प्रोग्राम गहराई से बात करने के लिए, इसके ऊपर ये एक ट्यूटोरियल सेशन मैं इसको समझ रही हूँ, मैं बताऊंगी कि जैसे मिसाल के तौर पे आप एक डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं तो आपके डिस्ट्रिक्ट का जो DHQ है वहाँ पर आपके पास जाने का तमाम हकूक महफूज हैं। आप फौरन DHQ में जाएं, DHQ में CMO के पास जाएं, CMO का जो इमरजेंसी में होता है, यानी आप अपनी डिस्ट्रिक्ट में हैं, डिस्ट्रिक्ट से आप DHQ हॉस्पिटल जाएँ, DHQ हॉस्पिटल से आप इमरजेंसी में CMO के पास जाएं, और CMO के पास चाहे वो जितना मर्जी मसरूफ़ है, आप उसके पास जाके फौरी तौर पे आप बेशक शोर ना मचाएं या कुछ अपनी तरफ लोगों को मतवज्जो ना करें, किसी अगर लिखना जानते हैं तो कागज़ पे लिख दीजिए कि मेरे साथ किसी ने इस तरह से वाकया किया है, या आप उनके पास जाके हल्की सी आवाज़ में कह दीजिए कि मेरे साथ ऐसा जिंसी तशद्दुद हुआ है, तो आप मुझे फौरी तौर पर मुझे अटेंड करें। CMO supposed to attend him, her or any child. उसने करना है। जो CMO है उसके जरिए मेडिको लीगल ऑफिसर तक पहुंचा जाएगा। मेडिको लीगल ऑफिसर मर्दों का मर्द डॉक्टर मेडिको लीगल करता है, औरतों का, बच्चियों का, लड़कियों का मेडिकल जो है वो खवातीन लेडी डॉक्टर्स करती हैं। हर DHQ के बाद जो अगली इसकी लेयर है वो THQ तहसील हेडक्वार्टर आता है। तहसील हेडक्वार्टर के बाद RHC रूरल हेल्थ सेंटर आता है। ये तीनों वो मुकाम है जिसमें अगर आप दही सेटअप में रहते हैं, जिसमें आप रूरल एरियाज के अंदर रहते हैं,
तो आप दही मरकज़े सेहत पे यानी रूरल हेल्थ सेंटर में जाकर भी ये शिकायत कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि वो बंद है, जो कि होना नहीं चाहिए, जो कानून कहता है, जो पंजाब की गाइडलाइंस है इसके ऊपर, उसमें RHC 24 घंटे डॉक्टर ऑन कॉल होता है। अगर डॉक्टर का घर साथ ही होता है, पास ही होता है, डॉक्टर को फोन कर दिया जाता है और डॉक्टर जो है वहां पर आके आ जाता है। अब डॉक्टर के पास वहां पे सहूलियात का जो फुकदान है उसके ऊपर तो इतनी लंबी बात है कि वो मैं नहीं कर सकती, लेकिन अमूमन RHCs में जो है वो डॉक्टर्स के पास रात के वक्त मेडिको लीगल करने की सहूलत नहीं होती और वो इसको रेफर कर देते हैं या तो THQ में या DHQ में। ठीक है, तो अब ये तीनों जगह जो है वो आपके लिए मौजूद है। फर्ज करें कि आप हॉस्पिटल नहीं जाना चाहते, ठीक है, और आप थाने भी नहीं जाना चाहते, तो आप इलाका मजिस्ट्रेट, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के पास फौरी तौर पे जा सकते हैं। और ख़ास तौर पे उन दिनों में जिस दिन ईद मिलादुन नबी है, जिस दिन कोई मुहर्रम है, जिस दिन कोई ईद है, जिस दिन कोई गजटेड हॉलीडे है, ठीक है, इन दिनों में आप अगर मुतल्लिका हस्पताल या थाने नहीं जाना चाहते, आप फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के पास जाएंगे। वो छुट्टियों में अपने घर से भी ये केसेस उनके उनके प्रोटोकॉल, वो जो आप कह लें कि उनके काम में ये शामिल है कि उन्होंने वो केस जो है इसी तरह से अटेंड करना होता है। और ये वुमेन प्रोटेक्शन एक्ट 2006 है जिसकी वजह से वो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के पास जाके फौरी तौर पे अपनी शिकायत जो है वो बता सकती है। फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट फौरी तौर पे मुतल्लिका थाने को इतला देगा और मुतल्लिका थाना जो है वो उस खातून को एक अहलकार के साथ लेकर मुतल्लिका थाने में चला जाएगा। उस थाने से हस्पताल और थाने में जाएगा। हस्पताल में वुमेन मेडिको लीगल ऑफिसर होगी जो खातून के बारे में तमाम मालूमात जो है वो लेके और उसकी जो है वो एक मेडिकल हिस्ट्री बनाएगी जिसको मेडिको लीगल परफॉर्मा बोलते हैं। उस परफॉर्मा की फीस जो है वो कुछ फीस है उसकी, जो कि मैंने अपनी जिंदगी में बहुत कोशिश की कि मैं उस फीस को हटवा सकूँ गवर्नमेंट के कागजों में से। मैंने पंजाब गवर्नमेंट के साथ इसके ऊपर बहुत एडवोकेसी की, बहुत उनको दफा उनको समझाया, बहुत दफा वादे आते थे, बातें आती थी, लेकिन अभी तक वो फीस जो है वो वापस नहीं ली जा सकी। मेरा इसके ऊपर ये मानना है कि जो फैमिली इतनी तकलीफ से आ रही है वो फिर आके गवर्नमेंट को पैसे दे कि आप पैसे, अगर आपने के पास पैसे नहीं है तो फिर आपका मेडिको लीगल नहीं हो सकता। तो इस वजह से इस फीस को मैं ये कहती हूँ कि ये फीस ख़त्म हो जानी चाहिए, ये फ्री होना चाहिए। एक मुंशी मियाँ मुंशी हॉस्पिटल लाहौर में DHQ है, लाहौर के 3 DHQ हॉस्पिटल्स हैं जिनमें से एक मियाँ मुंशी हॉस्पिटल है। उस हॉस्पिटल में मेरा एक वास्ता पड़ा कि मैं एक रेप केस के लिए फ़ोन पे सारी रहनुमाई दे रही थी एक बच्ची के वालिद को जो कि मज़दूर थे, और मैंने उनको कहा कि आप यहाँ पे जा जा के फलां जगह पे आप ये काम करें, वो काम करें, और इस तरह से आप अपना जो है वो मेडिकल करवाएं। तो थोड़ी देर के लिए वो मेरे से रابطे में ना रहे, तो मैंने उनसे कहा कि आप मेरे फ़ोन नहीं सुन रहे थे, खैरियत है, क्या बात है? तो उन्होंने मुझे रोते हुए ये कहा कि वो एक और बच्ची आई है, उसके बाप के पास 200 रुपया नहीं है, तो मैं उसके पैसे दे रहा था। आप ये तसव्वुर करें कि एक बाप जिसकी अपनी बेटी के साथ रेप हुआ है वो किसी और की बेटी के लिए भी पैसे दे रहा था। मैं इसका अल्फाज में आपको इजहार नहीं कर सकती कि मैं उस वक्त किस तरह बुरी तरह से टूटी कि ये कैसा बेहिस मुआशरा है और कैसे डॉक्टर्स या कोई सिस्टम, मतलब आप ये देखें कि वो डॉक्टर्स भी तो उसी सिस्टम के हैं जो, और वो महकमा महकमे के तमाम अफराद भी तो उसी के हैं, उनको पता है कि वो किस चीज़ की फीस ले रहे हैं। वो बेहिस है, वो नहीं कहते कि मैं अपने MO से जाके कहूँ, मैं अपने MS से जाके कहूँ कि कल से मैं आपके खजाने में रेप वाली बच्ची के फीस जमा उन्हें नहीं दूंगा। क्या यहाँ पे हमारा फर्ज नहीं बनता कि हम इस बारे में सवाल उठाएं? और क्या वो लोग कौन लोग बेहिस हैं? ये वो लोग हैं जो ये नहीं सोचते। तो ये वाला तरीकाकार होगा। और फिर इस पे मैं आपको थोड़ा सा इजाफी मालूमात दे दूँ कि जो डॉक्टर है, जो WMLO है, उसने 3 लफाफे बनाने होते हैं। वो बच्ची को एक अलहदा कमरे में लेके जाएगी, उसको बताए
असूलन उसको बहुत कुछ बताना चाहिए, वो उसके ऊपर मैं नहीं अभी इतनी तफसील में जा रही, लेकिन उसको बताना फ़र्ज़ है कि वो बच्ची को ये बताए कि वो अब उसके साथ क्या करेगी, यानी मुआयने का तरीका कार क्या होगा, वो क्या तरीका, कहाँ पे उसको हाथ लगाएगी, कहाँ से मुआयना करेगी, ठीक है, ये उसको ज़रूरी है कि उसको बताए। लेकिन नॉर्मली डॉक्टर्स जो हैं वो माजरत के साथ वो नहीं बताती हैं। जो डॉक्टरी के 5 सालों में, जो तीसरे साल में एक कोर्स वो पढ़ते हैं मेडिकल लीगल के हवाले से, उसमें 5 सवाल उनके आते हैं, और 5 सवाल में से 3 जो हैं वो उन्होंने हर सूरत में अटेम्प्ट करने होते हैं मेडिकल लीगल से। 5 सवाल को वो याद करते हैं, 2 उनकी जो हैं वो ऑप्शंस उसमें चॉइस में चले जाते हैं, और उसकी वजह से 3 सवालों में वो रट्टे लगा लेते हैं और वो मेडिको लीगल कर लेते हैं। अब आप ये देखें कि वही डॉक्टर जिसने मेडिको लीगल को अपनी क्लास में डिस्कस नहीं किया, ठीक है, किसी बॉडी के ऊपर डिस्कस नहीं किया, वहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे वो डिस्कस नहीं हुई कि जी बॉडी सामने पड़ी होगी तो बॉयज़ भी सामने मौजूद हैं, क्लास फेलोज और हम भी और टीचर भी, तो हम मेडिको लीगल इसके बॉडी पार्ट्स का नहीं कर सकते, हमें शर्म आती है और हम कैंटीन में बैठ जाते हैं जाके, यहाँ से सिस्टम प्रॉब्लम में आता है। क्योंकि जिस दिन आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हाउस जॉब करने जाएंगे या जाएंगी, आपको सबसे थकी हुई नौकरी दी जाएगी, और उस थकी हुई नौकरी में आपको कहा जाएगा कि मेडिको लीगल करो, क्योंकि मेडिको लीगल करने में धक्के हैं, उसके अंदर आपको कल को अदालत में जाके गवाही देनी पड़ती है, तो आपको सबसे थकी हुई नौकरी दी जाएगी, और उस वक्त आपको ये भी नहीं पता होगा कि मेडिको लीगल किस तरह करना था उस बच्चे का या बच्ची का। और फिर मैंने एक बहुत बुरी प्रैक्टिस देखी थी जिसमें ये था कि लड़की के साथ को फीमेल WMLO ने, उसको कुछ पता नहीं था कि कैसे करना है मेडिको लीगल, उसने मेल डॉक्टर को बुलाया और दोनों ने खड़े होकर मेडिको लीगल किया, जबकि जो मेडिको लीगल की गाइडलाइंस हैं, जो प्रोटोकॉल ऑफ द सर्वाइवर है और जो इसके SOPs हैं, उसके मुताबिक मेल पर्सन कैन नॉट डू फीमेल्स मेडिको लीगल, ठीक है, वो नहीं कर सकता उसका मेडिको लीगल। तो फिर उस डॉक्टर को क्योंकि आता ही नहीं था, उसको पता ही नहीं था, तो उसने ये मेल प्रैक्टिस की, उसने ये रॉन्ग प्रैक्टिस की। तो इस वजह से अगर किसी के साथ भी हो तो वहाँ एहतजाज करे, बात करे, लोगों को बताए, मीडिया को बताए, अपनी मर्जी से, किसी के ज़ोर ज़बरदस्ती से नहीं। तो ये जो है वो स्वाब्स जो हैं वो उसमें से खातून से लिए जाते हैं उसके जिस्म के अज़ा से, और वो कहीं से भी लिए जा सकते हैं, हो सकता है वो नाखूनों के अंदर से लिए जाएँ। जैसे मैंने अपने बचाव के लिए अगर नाखून मारे हैं, ठीक है, तो जो उसका पसीना और उसकी मैल है वो सब मेरे नाखूनों के अंदर आ जाएगी, ठीक है। तो ये एक बहुत बारीक किस्म का फोरेंसिक एविडेंस है और बहुत अहम है, ठीक है, इसके अंदर उसका DNA है, ठीक है। अगर उसके जिस्म पर मेरा कोई बाल है या मेरे जिस्म पे उसका कोई बाल है, वो बाल DNA या के का फोरेंसिक एविडेंस में यूज होगा, ठीक है। अगर कोई गीली चीज है, कोई लुआब है, कोई और मवाद है, वो सब का सब, कोई टिश्यू है, कोई ऐसी बेडशीट है, कोई कपड़ा है, कोई दुपट्टा है, कोई कमीज है, कुछ है, उसके ऊपर जो मवाद है वो DNA के साथ के लिए पेश हो सकता है फोरेंसिक एविडेंस के तौर पे। तो ये वो चीज़ें हैं जिनको प्रिजर्व करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर कोई मार्क्स हैं, कोई निशानात हैं, तो वो डॉक्टर को बताने बहुत ज़रूरी हैं। ये मत उस वक्त वो सोचे कि ये तो मेरे जिस्म के बहुत पोशीदा हिस्से पे है तो मैं ना बताऊं, लेकिन वो ज़रूर दिखाए बताए, क्योंकि वो मेडिको लीगल में लिखे जाएंगे। तो ये कुछ अहम मालूमात हैं जो कि और इब्तदाई जो आप मुहर्रर को या तफ्तीशी को आप मालूमात दे रहे होते हैं उसमें भी इसके बारे में ज़रूर लिखें। थैंक यू सिद्रा। मैं सोच रही हूँ कि ये कितना एक्सटेंसिव प्रोसेस इन्वॉल्व है इस चीज़ में, और कितने एहतियात की ज़रूरत है हर लम्हे पे। और फिर अगर मैं इमेजिन करूँ जिस तरह हमारे लोग इस इशू को डिस्कस करते हैं, और जिस तरह, क्योंकि अगर बाद में यही रेप विक्टिम बाद में थोड़े अरसे बाद, क्योंकि उसने इसी माशरे में रहना है, वो जब इस सारों से गुजरेगा और फिर वो कहीं से ये चीज़ें सुनेगा तो वो कहेगा कि हम पे क्या गुजर रही थी और लोग क्या बात कर रहे थे, और ये सिस्टम की जो बात है। अच्छा सिद्रा, इस पे एक चीज़ है जो मैं लोगों से, मतलब
ख्वाहिश है कि लोग इस चीज को, पर्सपेक्टिव को समझे, वो ये ख्वाहिश है कि देखें इसके प्रिवेंशन पे हम सब का फोकस होना चाहिए कि ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये होगा तो देखें कितना कुछ करना पड़ेगा। इसमें इदारों का कितना रोल है, इसमें रिसोर्सेस कितने चाहिए, इसमें आगही कितनी चाहिए, समझदारी कितनी चाहिए। मैं तो समझती हूँ कि ये फर्स्ट एड का हिस्सा होना चाहिए अब हमारे मुल्क में, कि हर बंदे को सेल्फ डिफेंस के लिए ये मालूमात बहुत अहम है। जिस रफ्तार से ये मसला है, अगर ये एक बंदे के साथ भी हो रहा है, या अगर हमारा जो प्रिविलिंग जो माइंड सेट है उसको अगर हम देखें, इसका मतलब है कि पोटेंशियल है इस हादसे के लिए कहीं भी अकर होने के लिए। सो इसलिए ये है कि अगर वाकई सब लोग संजीदा है, वो काम करना चाहते हैं, तो वो कोशिश करें कि उसमें ऐसा रोल अदा करें कि ये चीजें ना हों। क्योंकि अगर आपने जो पैमाने बताए हैं सिदरा, के जो प्रोसेस का आपने किए हॉस्पिटल, फिर आपने सारा जो बताया है, तो अगर हम अपने रिमोट और रूरल एरियाज को देखें, और वहां पे जिस पे हम, सही बात है, अभी बात नहीं करना चाह रहे कि हमारे जो हेल्थ फैसिलिटीज हैं, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल हो, चाहे वो तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल हो, चाहे वो रूरल हेल्थ यूनिट हो, ये जो सारे हमारी जगह हैं, यहाँ पे तो हमारे आम बीमारियों के लिए बहुत सारी चीजें नहीं मिलती। क्योंकि आम जो हम जब आम एक औरत की डिलीवरी के केस की बात करते हैं, उसमें सफिशेंट रिसोर्सेज नहीं, उसको लेडी डॉक्टर नहीं मिलती कि वो उसका केस करे। अभी भी हमारे बहुत सारी जगहों पर डिस्पेंसर और मेल डॉक्टर आता है, वो घरों में खवातीन की डिलीवरीज करता है। आप जाएं अभी रिमोट एरियाज में, हमारे अभी तक ट्रेडिशनल बर्थ अटेंडेंट्स नहीं है, या वो हमारे वो रिवायती दाइया है वही करती हैं। कितनी हम हमारी इस वक्त हेल्थ फोर्स में इस वक्त लाइक सफिशेंट नंबर ऑफ वेमेन मौजूद है। और फिर आपने जो बात की, तो मुझे तो वायलेशन नजर आई। बहुत सारे केसेस में हम सुनते हैं कि रेप के विक्टिम का जो मेडिकल लीगल वो असेसमेंट है, वो मर्द करते हैं बहुत सारी जगहों पे। मुझे नहीं, अभी जब मैं जहन में सोच रही थी कि अच्छा उस खातून का मुझे पता चला, बच्ची का पता चला था, तो वो अच्छा। यहाँ पे एक छोटी सी बात, फिर आगे चलते हैं कि मेरे ख्याल में बाद में वो जो इंसाफ के हसूल में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम बनती है, वो ये आपका सबूत है कि अगर ये सबूत सही तरीके से नहीं कलेक्ट किया गया, उसमें कोई मसला हो गया, तो आप पे जो भी कयामत गुजरी है, उस कयामत को कोई भी नहीं समझ सकेगा, ना वो उसको वैलिडेट कर सकेगा। हाँ, क्योंकि आपके सबूत में मसला हुआ इसलिए कि शायद आपको नहीं पता था, या सिस्टम में किसी बहुत जिम्मेदार इंसान ने कोई बहुत बड़ी गलती कर दी। जी बिल्कुल, सिदरा, एक और चीज आगे उस पर आते हैं, इस पर आप कुछ कहना चाह रही हैं मेरे ख्याल में कि नहीं, आगे चलें। सिद्रा, आपको मेरी आवाज आ रही है? सिद्रा, डिले से आ रही है। आपको मेरी आवाज आ रही है? सिद्रा, डिले से आ रही है। अच्छा, डिले से आ रही है। ओके ओके, अब आ रही है मेरी आवाज, क्लियर है? अच्छा सिद्रा, मैं चाहती हूँ मैं थोड़ा सा अगले उसकी तरफ जाऊं। हम अभी भी ये है कि हम चाहते हैं कि हम हर सवाल पे बहुत तफसील से गुफ्तगू करें, लेकिन मैं समझती हूँ हमें टाइम भी देखना है, दूसरे क्वेश्चंस भी देखने हैं, और अभी भी मुझे लग रहा है कि हम बहुत सारी चीजों पे अभी भी बहुत बेसिक बेसिक बातें करें, क्योंकि हर सवाल के अंदर इतनी गहराई है, उसके इतने एस्पेक्ट्स हैं कि उसमें अगर डिटेल में जाया जाए तो 2 घंटे भी लग जाते हैं। सिद्रा, मुझे जरा एक और क्वेश्चन बताएं कि ये जो रेप के हादसात हैं, इसमें अगर इसकी बहुत लाइक मैं कहूँ कि नोयतें मुख्तलिफ होती हैं, लेकिन अगर हम दो नोयतों पे इस वक्त बात कर सके, कि अगर जो जिस जिस बंदे ने ये ज्यादती की है, क्या अगर वो मुकम्मल अजनबी है, और या अगर आपके वो आसपास घर में आपके आसपास कोई बहुत बड़ा आपका करीबी बंदा है, इन दोनों सूरतों में इसका लीगल उस पे या इस पूरे प्रोसेस पे कोई असर पड़ता है, कोई इसकी मुख्तलिफ नेचर हो सकते हैं फिर इसको डील करने में? देखिए, जितने भी वाकयात अभी तक मंजरे आम पर आते हैं, रिपोर्ट होते हैं या अखबारात में आते हैं, या सिर्फ थानों की हद तक FIR रहती है, इन तमाम के अंदर अभी तक देखने में यही आया है कि ज़्यादातर जान पहचान के लोग ही, जो आसपास रहते हैं, करीबी होते हैं, वो ऐसी हरकत करते हैं। दूसरे नंबर पर हमसाए आते हैं, नेबर्स आते हैं कि
के जो नेबर्स हैं वो इस तरह की हरकत करते हैं। फिर तीसरे नंबर पर बिल्कुल अजनबी आते हैं, जिस तरह के अजनबी ऐसे कि जो किसी मौके की तलाश में होते हैं, और वो चाहे कोई सुनसान सड़क है, रेलवे स्टेशन है, बस स्टॉप है, कोई जो है वो हस्पताल है, और या कोई कब्रिस्तान है, इस तरह की जगहों पे। तो ये जगहों पे भी जो है वो स्ट्रेंजर्स जो हैं वो इस तरह की चीज़ में मुलव्वस देखे गए हैं। जो लोग रेपिस्ट हैं, ये आप ये समझ लें कि जब इनका केस हमारे सामने आता है तो ये उनका पहला केस नहीं होता, ये उनका बिल्कुल भी पहला केस नहीं होता, ये उनका बहुत डबल नंबर्स के उनके केसेस होते हैं। यानी वो हमेशा कानून के शिकंजे से किसी ना किसी वजह से निकल चुके होते हैं और गिरफ्त में नहीं आते। आपको पता है कि जब अगर हम फर्ज करें, बात ही सिर्फ ये करते हैं कि इस वक्त हम जो मौजूदा हुकूमत में हम करप्शन की बात करते हैं, तो करप्शन ही की वजह से वो निकल जाते हैं, ठीक है ना, या फिर वो कोई एक माशरती बुराई है जिसकी बुनियाद पे वो निकल जाते हैं। तो ये उनके लिए बहुत एक आसान तरीका होता है कि वो इस शिकंजे में नहीं आते और वो किसी को भी नुकसान पहुंचाते हैं। अब आप ये देखें कि इसमें आपके सवाल के अंदर मैं ये ज़रूर चाहूँगी कि वजाहत हो, हम बहुत आराम से पीडोफाइलर्स का जिक्र करते हैं, ये पीडोफाइलर्स जो हैं वो ये करते हैं, पीडोफाइलर्स करते हैं। पीडोफाइलर की जो एक प्रोफाइल है वो ये है कि वो उस बच्चे के साथ सेक्सुअली अब्यूज़ करते हैं जो कि प्रोबर्टी तक नहीं पहुंचा, ठीक है, जो प्रोबर्टी तक नहीं पहुंचा, जिसने अपनी मैच्योरिटी अटेन नहीं की है, नॉर्म जो पीडोफाइलर्स हैं वो ऐसे बच्चे को ही सेक्सुअली अब्यूज़ करते हैं। और वो आपने वो उम्र इस वक्त आपके सामने है, 5 साल, 3 साल, 7 साल, 8 साल, 9 साल, ठीक है, इस उम्र के पीडोफाइलर्स जो हैं वो पीडोफाइलर इस एज को अटैक करते हैं, ठीक है। और जो लोग मेंटली सेक्सुअल सिक हैं, जो कि इस तरह के वाकयात के हवाले से जिनकी जहनी जो सोच है वो सिर्फ और सिर्फ सेक्स से रिलेटेड है, वो फिर इससे ऊपर के अफराद को टारगेट कर रहे होते हैं। पाकिस्तान में बड़े देर के बाद पीडोफाइलर का नाम मीडिया तक आया, यानी जब बहुत सी रिसर्चेज हुई या किसी ने जिक्र किया, लेकिन पीडोफाइलर की जब आप प्रोफाइलिंग करें या आप उसको देखें और आप उसके बारे में पढ़ें, तो मैंने जो उसकी निशानी बताई है कि वो ये करता है। फिर आप ये देखें कि लोग जो हैं रेपिस्ट जो हैं वो हमारे सामने कम उम्र रेपिस्ट भी आ रहे हैं इस वक्त, जिनकी उम्र ही बहुत कम है, वो जवेनाइल से भी ये वो बल्कि माइनर में आ रहे हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ी हमारे सामने इस वक्त, जिसे कहना चाहिए कि सामने बहुत बड़ा मरहला पड़ा है कि हमने कल को इस हवाले से क्या करना है। तो ये भी एक एंगल है इस बात को देखने का। फिर इंसेस्ट है, जिसमें इंतहाई करीबी रिश्तेदार, ब्लड रिलेटिव्स जो हैं वो इसमें इन्वॉल्व होते हैं, और उसमें तो शायद ऐसा है ही नहीं कि रात का अंधेरा चाहिए या सुनसान सड़क चाहिए या उसमें ऐसा चाहिए कि माँ सर पे नहीं है, और हम माँ का आ जाके माँ के ऊपर इल्ज़ाम देते हैं कि माँ नहीं है सर पे। तो माँ सर पे होती है और जो इंसेस्ट करने वाला है वो वही उसी कमरे में बैठ के ये हरकत कर रहा होता है, और माँ के फरिश्तों को नहीं पता होता, क्योंकि रिश्ते इतने सेक्रेड हैं हमारे माशरे में, हमारे घरों में, कि हम तसव्वुर ही नहीं करते कि वो रिश्तेदार भी ऐसा कर रहा होगा। आपको याद है कि हम नारी तहरीक की गुफ्तगू में जब नशिस्तों में बैठते और हम सेक्सुअल हरासमेंट को आइडेंटिफाई करते थे, तो हमने कहा कि एक ऐसा फर्द हमारे घरानों में ज़रूर होता है जो पीछे कमर तक पूरा हाथ लगाता है, वालेकुम सलाम बेटे, ऐसे करके कह रहा होता है। अब उसको हम तो अगली दफ़ा तो ये कहते हैं अम्मी को कि वो आएंगे तो हम नहीं जाएंगे उनके सामने, ठीक है, लेकिन वो हरेसर होता है, और वो हमारी दूसरी तीसरी नस्ल तक जाके पता लग रहा होता है कि जब सब खवातीन आपस में रात को कोई सोने से पहले गुफ्तगू कर रही है तो बताती हैं कि मेरे साथ ऐसा हुआ, तो पता लगा कि ओ उनके साथ ही ऐसा ही हुआ, और उनके हम यहाँ से गुफ्तगू शुरू करनी है हमने, कि जो मेरे साथ 10 बुरी बातें हो गई हैं, वाकई हो गए हैं, वो 10 मैं आपको बताऊँ ताकि 11वीं की दफ़ा आप शिकार ना हो।
बिल्कुल। और ये बहुत अहम बात है जो ट्रस्ट की बात है, कि आप अगर घर के अंदर ये ट्रस्ट वाला मैकेनिज्म आप डेवलप कर लेंगे तो आपके घर बच्चे हैं, बच्चियां हैं, ख्वातीन हैं, वो बताएं। और ये शायद ये उस सोच को खत्म करेगा, ये जो हम फौरी तरफ कह देते हैं कि तुमने कुछ किया होगा। और यही जो सवाल लोगों को सुनना पड़ता है, इसलिए बहुत सारे लोग खामोश हो जाते हैं। फिर जब अगर कुछ लोग बोलने लगते हैं तो फिर लोगों को लगता है जैसे पता नहीं ये कहाँ से मरीख से उतर के ये बात कर रहे हैं, और पता नहीं इनके साथ किसने ये क्या होगा कि उनको अपने इर्द गिर्द नजर नहीं आता। और आपने ये जो अहम एक बात यहाँ पे कर दी कि इसमें बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो आदी होते हैं इस तरह के रवैये ख्वातीन के साथ रखना, बच्चों के साथ रखना। ये ही नहीं होता कि वो बस एक वाकया, एक हादसा हो जाता है, लेकिन ये कि वो इसलिए भी मुसलसल करते जाते हैं कि शायद उनको पकड़ा नहीं जाता, उनको जो है बुरे इल्जाम नहीं ठहराया जाता, वो साफ साफ निकलते जाते हैं क्योंकि हमने ट्रस्ट का मैकेनिज्म डेवलप नहीं किया। तो वो भी पुख्ता होते जाते हैं, उनका भी हौसला बढ़ने लगता है कि चलो कोई बात नहीं। जिस तरह अभी हो रहा है, मिसाल के तौर पर अभी अगर हम देखें ये मार्च, जब अभी ये कल कल एक तरह का जो मार्च था, खवातीन पूरी दुनिया में, पूरे पाकिस्तान में जब निकली थी, तो उन जब वो जिन ग्रुप्स पे लायो था, वो जो उनकी गुफ्तगू थी, उनमें आप कुछ लोगों के नीचे कमेंट्स पढ़ लें, और वो कमेंट्स पढ़ के फिर बंदा कहता है कि अच्छा अब ये जो लोग खुलम खुला, अब अक्सर लोग कहते हैं कहाँ हो रहा है ये, हमें तो नहीं पता। तो ये कमेंट्स पढ़ के आप वो माइंड सेट बिल्कुल एक्सेप्ट करें, रियलाइज करें कि बहुत फख्र से वो लोग ये कमेंट्स लिख रहे हैं और देख रहे हैं कि जी ये औरतें, ये औरतें, ये औरतें। और वही वाली बात कि वो समझ रहे हैं कि निकली है तो बस इसका एक ही मकसद है कि हमारे लिए निकली है, और बस इसको सिर्फ हम चाहिए होते हैं। सिद्रा, आपसे जो मेरा अगला एक सवाल मैं इसमें पूछना चाहूंगी कि यहाँ पे एक सवाल भी आया है, बहुत सारे कमेंट्स भी आए हैं, एक का मैं यहाँ पे जिक्र भी करूंगी, क्योंकि एक साहब ने लिखा है कि शायद बहुत ज्यादा फोकस इस पे है कि औरत को क्या करना चाहिए, और ये फोकस शायद कम है कि मर्द को बताया जाए कि वो क्या करे। तो थोड़ा सा मैं यहाँ बता दूं कि आज की जो हमारी गुफ्तगू का जो हमारा मेन जो ऑब्जेक्टिव था, वो था ही यही कि अगर किसी खातून या किसी बच्ची या किसी ट्रांसजेंडर के साथ खुदा ना खास्ता ऐसा वाकया आए तो वो क्या करे, वो किसको पुकारे, किसके पास जाए, किस इदारे के पास जाए। क्योंकि तो हमें लगता है कि ये मालूमात कम थी, इसलिए हमारी आज की गुफ्तगू का महवर ये था। इसका कतन ये मतलब नहीं है कि हम सिर्फ औरत को समझा रहे हैं। इस पूरे प्रोसेस में हम यही कह रहे हैं कि देखें, उसके साथ अगर ये औरत जाएगी पुलिस या के पास या थाने जाएगी, हॉस्पिटल, तो उसके घर का कोई ना कोई एक मर्द तो उसके साथ होगा, तो उस मर्द को भी गुजरना पड़ेगा इस चीज से। अगर उसके बच्चे हैं, उनको बच्चों को भी गुजरना पड़ेगा। तो सारे अगर इस प्रोसेस में शामिल हैं, इस पूरे अमल में, तो इसका मतलब है कि हाँ सही बात है, जिम्मेदारी सब पे आती है। और वो लोग के जो जिनके साथ ये नहीं हुआ, लेकिन वो टीवी पे बैठ के सुन रहे हैं, सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, वो कब तक इग्नोर करेंगे, कब तक इसको चैनल को बदलेंगे? क्योंकि इस पे बात होनी चाहिए। सो इसलिए हर बंदे का किरदार है, यहाँ पे मर्द का भी बहुत बुनियादी किरदार है कि वो भी अपना किरदार अदा करें। आज की गुफ्तगू में हम कभी भी मर्द को एक्सक्लूड नहीं कर रहे। सो मैं इनके लिए इसलिए कह रही थी। सो इसी सोच को जब मैं लेके आती हूँ, इसी कमेंट से मेरा सवाल है सिद्रा आपके लिए, वो ये है कि ख्वातीन क्या कोशिश कर सकती है कि इस तरह के जो हादसात है वो उससे बच सके। लाइक वल्नरेबिलिटीज क्या है, ऐसी कौन से ऐसे हालात इर्द गिर्द की जिसपे आपको नजर रखनी पड़ेगी और अपने इर्द गिर्द, क्योंकि अब हमने विजिलेंट रहना है, सबने विजिलेंट रहना है। इसमें जरा बताएं कि वो वल्नरेबल लम्हे क्या होते हैं और कैसे नजर रखी जा सकती है, कैसे अवेयर माइंडफुल रहा जा सकता है। शायद इसमें इंडिकेटर्स का पहले मैं ज़िक्र करना चाहूँगी कि कुछ वाकयात के कुछ ऐसे इंडिकेटर्स होते हैं अपार्ट फ्रॉम दिस मोस्ट रीसेंट केस के इसके इंडिकेटर्स को इसके केस के फैक्ट फाइंडिंग के साथ मैं डिस्कस करना ज़्यादा मुनासिब समझती हूँ। लेकिन ओवरऑल जो वाकयात हैं उसमें अमूमन जो है वो अगर जो एक कदम बढ़ाने की जो एक हरकत आपको अगर नज़र आती है, वो करीबी, जैसे हमने जिक्र किया कि नॉर्मली करीबी
करीबी लोग होते हैं, जान पहचान वाले, आसपास वाले होते हैं, तो उसमें जो इंडिकेटर है वो अमूमन वो शख्स जो है वो हरेसमेंट से स्टार्ट करता है। और हरेसमेंट के बारे में जो हमारी मिथ है वो ये है, जो हमें बड़े बूढ़ों से, इर्द गिर्द से, दोस्तों से, सहेलियों से मिलती है, वो ये है कि इग्नोर करो, छोड़ो परे, क्या ज़रूरत है इससे, अब कितने लोगों को हम समझाएंगे। तो इग्नोर करने से उसको बढ़ावा मिलता है, उसको शय मिलती है। तो इस हवाले से हमें अब ये माशरती रवैया और हम औरतों को अब ये आपस में पैगाम देना पड़ेगा, अपने बच्चों को, अपनी बहनों को, बेटियों को, भांजियों को, भतीजों को, सबको, कि अगर आपको किसी की तरफ से ऐसी चीज़ें मिलती हैं तो आपने इग्नोर नहीं करना, बल्कि आपने आके किसी को बताना है। और देखिए, आप इसके लिए एक एक्सरसाइज होती है, वो एक्सरसाइज ये है कि आपने अपने ट्रस्ट के अपने तकरीबन 3 लोग आइडेंटिफाई करके हमेशा रखने हैं, जो आपके मुश्किल में साथ देने के लिए किसी भी तरह आपके साथ खड़े होंगे। और वो लिस्ट आपके पास टिप्स के ऊपर, वो 3 लोग होने चाहिए। उसमें ज़रूरी नहीं है कि वो आपके सिर्फ वालिदैन ही हो या आपके बहन भाई हो, वो आपके कोई हमदर्द, कोई दोस्त भी ऐसे हो सकते हैं जिनको मालूमात है, जिनको पता है इस मौजू के बारे में, या उनको पता है कि कहाँ पे जाके मदद हासिल की जा सकती है। और फिर ये कि हम विक्टिम ब्लेमिंग में जब जाते हैं तो नॉर्मली हम उन बच्चों को ये कहते हैं, तुमने ज़रूर उससे हंस के बात करनी थी, तुमने ऐसे किया ना तो फिर ऐसा हुआ, तो हम उसको फौरी तौर पे गिल्ट में डाल देते हैं। हम उसकी जो रिपोर्ट करने का जो एक चैनल था उसको, बिल्कुल उस चैनल को हम डीट्रैक कर देते हैं, क्योंकि हम उसको ही सोच में डाल देते हैं कि तुमने कुछ ऐसा किया होगा, तुमने ये किया था ना तो ऐसा हुआ। मैं आपको इसकी एक मिसाल दूं कि जिस जमाने में कैमरे, जो हार्ड कॉपी वाली तस्वीरें आया करती थी कैमरे की, जिसमें हाथ में तस्वीर हम लेके देखा करते थे, उस जमाने में एक केसेस आना शुरू हो गए थे जिसमें लड़कियां अगर शादी से होकर आती थी तो फोटोग्राफर के ही मैसेज और फोटोग्राफर ही उनसे रابطہ करना शुरू कर देता था किसी वजह से, पंजाब में या लाहौर में कम से कम ऐसा जरूर था। तो उस वक्त जो है वो लड़कियां को, अगर वो लड़कियां किसी को बताती थी कि हमारे साथ उस बंदे ने रابطہ किया या कुछ, और प्यारी बन के जाओ और खूबसूरत मेकअप करके जाओ। और ये वही बात है जो आज भी मेकअप के ऊपर चल पड़ी है, ठीक है। अगर मर्द को लिपस्टिक इतनी पसंद है तो डब्बा भेज देते हैं एक लिपस्टिक्स का खरीद के, ठीक है, कि लिपस्टिक इतनी पसंद है कि लिपस्टिक लगने पे वो कोई मतलब जो है वो भंवरे की तरह आ जाते हैं लिपस्टिक लगाने पे। तो ये वो एक सेकेंडरी चीज़ें हैं जिसको हम कहते हैं कि ये इनकी तरफ ना जाएं। और ख़वातीन जो है वो उसका काम ही संवरना है, थोड़ा सा प्यारा, अच्छा, अपने आप को सेटिस्फाई करना है, तो ये एक बातों को बिला वजह का मौजू मत बनाएं और मौजू को डिट्रैक्ट ना करें। दूसरा, लड़कियों को, ख़वातीन को क्या करना चाहिए, हरेसर को हमेशा और रेपिस को हमेशा स्पॉट करें, उसको बताएं कि ये बंदा है जिसका रवैया ठीक नहीं है, चाहे वो काम करने वाली जगह है, चाहे वो स्कूल है, चाहे आपकी गली का रास्ता है जिससे आप गुजर के आते हैं, चाहे वो बस है जिसपे से आपने ट्रेवल करना है, जो भी जगह है वहाँ पर आप हरेसर को पॉइंट आउट करें, स्पॉट द रेपिस्ट की बात जो है वो होनी चाहिए। और ख्वातीन को कभी भी अपने ऊपर गिल्ट में नहीं जाना चाहिए कि मेरे अंदर ही प्रॉब्लम होगा। अभी भी हम ऐसे ही करते हैं कि दुपट्टा ठीक करने लग जाते हैं, अपने आप को पूरा कवर करके बैठते हैं, फिर उसके बाद कुछ हो जाता है तो फिर हम रोने बैठ जाते हैं। और मैं रोने के हवाले से इसमें यही कहूंगी कि रोने से बेहतर है किसी को रुला लें आप, ज्यादा बेहतर है, क्योंकि इससे फायदा नहीं आपके, आप तो हमेशा से, हम तो रो रहे हैं, हम तो हमेशा से इस चीज को कर रहे हैं, तो अभी ये इस डिस्कोर्स को बदलना होगा। एक्चुअली द नेशनल डिस्कोर्स और द इंटरनेशनल डिस्कोर्स अबाउट हरेसमेंट और रेप और अब्यूज इज वेरी रैम्पेंट एवरीवेयर, मतलब हर जगह पे ये मौजूद है, और इस डिस्कोर्स को चेंज करने के लिए ही हम आज यहाँ पे बैठे हैं। और ये जो बात हो रही है, मुझे ऐसे लगता है कि ये बहुत इंस्ट्रूमेंटल रहेगी।
बिल्कुल सित्रा, क्योंकि बड़ी ये वो एस्पेक्ट्स है कि अभी ये 2-3 दिनों में जितने फोरम्स पे मैं लोगों की बातें सुन रही थी, सवालात सुन रही थी, तो ये ज़्यादा जो सवालात है ये उसी पर्सपेक्टिव से मेरे जहन में ज़्यादा आए थे जब आपके साथ ये गुफ्तगू रखने का हम डिसाइड कर रहे थे। मकसद यही है कि लोग बहुत स्पेसिफिकली ये चीज़ें जान सकें, लेकिन सिर्फ जानना ज़रूरी नहीं है, इस जानने के बाद सोच लें, समझ लें आपने क्या करना है। कोई बात छोटी नहीं है, कोई बात बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन बात बात होती है। अगर कोई ये कहे कि ये तो बहुत छोटी सी बात है कि अच्छा हमारी औरतें तो आके हमसे हर बात कर सकती है, हमारी बच्चियां नहीं, चेक करें, जो लोग ये दावा करते हैं आज भी कि हमारी औरतें हमारी बच्चियां आके हमारे साथ बात कर सकती हैं, इस बात पे इत्मीनान नहीं करना। बहस शुरू करें, बात करें। ये जो हमारी गुफ्तगू है, मैं चाहती हूं कि बहुत सारे मर्द इसका लिंक अपनी ख्वातीन को अपने घरों में बताएं कि वो बाद में आके, अगर वो आप अभी नहीं देख सकती तो बाद में उनको बताएं कि इस तरह की ये बातें वो सुने, ताकि उनको उनका हौसला बने और वो आप लोगों का जो गैप है, समटाइम ये भी होता है कि अगर आप चीजें सुन लेते हैं तो कोई ना कोई पहल कर देता है वो गैप जो है वो फिल करने के लिए। सो कुछ पहल मर्द करें, कुछ पहल ख्वातीन करें, क्योंकि मकसद जो है ना एट द एंड हमारा एक ही है। हम चाहते हैं हमारा ये पूरा माशरा, हमारा ये मुल्क, हमारे गांव, हमारे शहर, हमारे घर खूबसूरत रहे, हम सब इसमें मिलजुल के प्यारी सी जिंदगी गुजारें, खुशियों भरी जिंदगी गुजारें। हमें भी अच्छा नहीं लगता कि हम रोएं, फरियाद करें, गिले करें और ये चीजें करें। हमारा दिल करता है कि मैं और सिद्रा आज इस पे बात करें कि ख्वातीन की तरक्की और प्रोग्रेस पे हम बात करें, पर हम ये कि क्राइम्स हैं, मसले हैं, तकलीफ है, दर्द है। और वो सिद्रा ने शुरू में एक बड़ी खूबसूरत बात की, आपके कपड़े नोचे जा रहे हैं आपसे और आप कह रहे हैं कि आपके साथ, लेकिन बाद में ये सारी चीजें बाद में, लेकिन आप सबसे पहली बात, क्योंकि ये मैं इनफरादी तौर पर बात करते हैं, सब बात करते हैं कि अगर एक बच्चे की भी सोने में भी वाकई अगर उसको गलत जगह हाथ लगाता है या उसके कपड़ों को, तो वो एकदम जाग जाएगा। फिर हम खवातीन तो, क्योंकि मैं नहीं समझ कहती कि जी हम सेंसिटिव, वी आर सेंसिटिव हर चीज के बारे में, चाहे हम दुपट्टा सर पे लेती हैं चाहे नहीं लेती, चाहे हम मेकअप करती हैं चाहे मेकअप नहीं करती, चाहे हम बड़े खानदान से या छोटे खानदान से, इससे हमारे एहसास पे जो हमारे अपने वजूद के लिए, अपनी इज्जत के लिए, उस पे उसका कोई फर्क नहीं है। ये नहीं कि जो औरत पर्दे में ज्यादा है और जो शायद नहीं है तो उसको शायद इतनी फिक्र नहीं है। तो इसलिए हम लोग ये बात तय करें कि आपको कितनी फिक्र है अपनी और कितनी फिक्र नहीं है, ये किसी को नहीं तय करना, हर बंदे ने अपनी बात खुद तय करनी है। सिद्रा, आप जो अगला सवाल मेरा है वो ऑलरेडी आपने तकरीबन कवर कर लिया है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि अगर कोई थॉट इस पे है, नहीं तो हम आगे चलेंगे। ये जो मोटरवे का हादसा हमारे सामने आया, अगर आप देखें इसके अलावा भी बहुत सारे केसेस इस मुल्क, मतलब हर जगह हो रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे एक कॉमेंट भी हमारी अपनी ही दोस्त ने लिखा था कि रेप जो है वो ग्लोबल पेंडेमिक है। बिल्कुल, जो रेप, हम ये नहीं कहते कि सिर्फ हमारे मुल्क में हो रहा है, ये हर जगह हो रहा है और दुनिया के हर कोने में हो रहा है, लेकिन हम चाहते हैं हमारे यहाँ ये ना हो। ये हमारी दिली ख्वाहिश है, हमारे यहाँ ये ना हो। हम अपने दिल का बोझ, अपनी जिम्मेदारी का बोझ ये कहकर नहीं हल्का कर सकते कि ये ग्लोबल है, ये वहां है, ये उधर है, ये इधर है। कोई बात नहीं, ये हम नहीं कह सकते, ये हर जगह है और जहां भी है ये गलत है। और हम कभी भी नहीं जाएंगे चाहेंगे कि हमारा नाम उन लोगों में आए कि यहाँ जहाँ पे ये होता है। हम बदलने निकले और हम बदल के रहेंगे और अपने लोगों को साथ मिला के इसको बदलेंगे, खत्म करेंगे। जब इसकी बात आती है तो वही मेरा सवाल है कि सिद्रा, ये जो अभी हादसा आया था, इसकी जो के खातून थी वो भी शायद पढ़ी लिखी है, बाद में मेरी ख्वाहिश है कि उसकी प्राइवेसी कोई और ना जाहिर करे, लेकिन मेरी ख्वाहिश है कि हर वो खातून जो इस हादसे गुजरती है वो आए और वो खुल के जिए, वो खुल के बात करे, वो कहे कि मेरा मेरी ना कोई इज्जत गई है ना मेरी कोई असमत दरी हुई है। जो लोग बहुत सारे कह रहे हैं औरत की असमत दरी, औरत की इज्जत लुट गई और पता, ये वो ये खुल के कहे कि एक हादसा था जो मेरे साथ हुआ और इस हादसे से अब आगे बढ़ के मैंने जिंदगी गुजारनी है, ये मेरी जिंदगी यहाँ पे खत्म नहीं हुई। लेकिन ये सोच अभी भी सिदरा बहुत कम है, ना होने के बराबर है हमारे इर्द गिर्द। मोटरवे का जो हादसा है वो बहुत ज्यादा हाईलाइट भी हुआ, सोशल मीडिया में बात हुई, हर जगह बात हो रही है, लेकिन बहुत सारे केसेस जो हमारे आसपास हो जाते हैं वो छुप जाते हैं, और उसमें जो छुपाने की बात होती है उसमें अक्सर ख्वातीन भी
महसूस नहीं कर सकती ये एतमाद अभी तक कि वो इस पे बोलना शुरू कर दें। सो मेरा ये है कि अभी आपने रवैयों की बात की कि क्यों नहीं बात करती, लेकिन अगर जितनी ख्वातीन के साथ ये हो रहा है और वो ये बात नहीं करती, इसका नुकसान अल्टीमेटली क्या है और ऐसा क्या हो कि वो बोल पड़े और इस इशू को वो भी मसला समझे और लोगों के सामने भी वो लेके आए। देखिए, जब इदारों में इस्तेहकाम होगा, जब इदारे अपना काम करेंगे, जब इदारे इंसाफ देंगे, तो कोई सर्वाइवर या विक्टिम जो है वो तभी शिकायत दर्ज करवाने के लिए जाएगा। अभी आप ये देखें कि इस केस के अंदर जो मुजरिम इन्होंने पकड़ा है दीपालपुर से, ठीक है, शफकत नाम का वो एलिज रेपिस्ट है, और उसने पुलिस के सामने कम से कम अपना बयान जो है वो रिकॉर्ड करवा के उसने कहा है कि हाँ मैंने ऐसा किया है। जो कि पुलिस के सामने दिया गया बयान जो है वो उसकी कोई इतनी अहमियत नहीं होती। लेकिन अब आप ये देखें कि उसके ऊपर कई और केसेस उसने किए हुए हैं, उसने गैंगरेप डकैतियों के दौरान किए हुए हैं, ठीक है। इसको बहुत अनफोल्ड करने की ज़रूरत है। देखिए, जो डकैती है ना, इसका जो खौफ है ना, जो इसका लेवल है वो बहुत शदीद होता है, बहुत शदीद होता है, जिसमें साइकोलॉजिकली कोई भी शख्स जो है वो थोड़े देर के लिए बिल्कुल नमनेस की तरफ चला जाता है। उसको समझ ही नहीं आती कि उसके साथ हुआ क्या है और अब उसने क्या करना है। आपने अमूमन देखा है कि हमारे यहाँ जब छोटा सा कोई जलजला भी आ जाए तो हम उसको ये कहते हैं कि उस वक्त तो मुझे समझ ही नहीं आई कि मैंने क्या करना। अब मैं जो हूँ वो अपनी ट्रेनिंग्स के अंदर मैं ये कहती हूँ कि हमेशा अपने आप को टफ सिचुएशंस की जो मैसेज है वो अपने सबकॉन्शियस को दे दे रखें कि अगर ऐसा होगा तो आप क्या करेंगे, अगर ऐसा होगा तो आप क्या करेंगे। यू हैव टू प्ले विद योर साइकोलॉजी, आपको अपनी साइकोलॉजी के साथ खेलना पड़ेगा उस वक्त कि मैं अगर ऐसा हो, जैसे अभी मुझे यहाँ पे बैठे हुए कोई इंतहाई खुदा ना खास्ता बुरी खबर मिलती है तो मेरा क्या रिएक्शन होना चाहिए, मुझे चीखे मार मार के रोना शुरू कर देना चाहिए, मुझे वावेला करना शुरू कर देना चाहिए, या मुझे ये करना चाहिए कि फौरी तौर पर मैं बचाव की तरफ जाऊं, या मैं इस तरफ जाऊं कि अब मुझे वहां पर पहुंचना चाहिए जिनको मेरी मदद की जरूरत है, ठीक है। तो एक होता है कि आपने जो डैमेज कंट्रोल है उसकी तरफ जाना है, ठीक है। तो डैमेज कंट्रोल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन सर्टेन सिचुएशंस, जब आपको हरासमेंट हो रही है, जब इस तरह की रिटेलिएशन हो रही है, कोई आपकी तरफ ऐसे कदम बढ़ा रहा है जिसमें छोटी छोटी चीज़ें हैं, कोई इबनॉशियस मैसेजेस आ रहे हैं, कोई आपको गंदी तस्वीर दिखा रहा है, कोई आपको फोर्स कर रहा है कि तुम ये करो और ये देखो और ऐसे करो, तो उस वक्त आपको चाहिए कि आप ये समझ लें कि आप किसी खतरे की तरफ बढ़ रहे हैं। तो उस वक्त आपको जो है वो अपने करीबी उन लोगों से मशवरा, जो मैंने आपको पहले कहा कि आपके पास लिस्ट होनी चाहिए ऐसे लोगों की जिनसे आप हमेशा मशवरा ले सकें और उनको आप ये बता सकें कि आप इस तरह की सिचुएशन में हैं, तो अब मुझे गाइड करें कि मैं इस वाली सिचुएशन से कैसे निकलूं, जो आपके ऊपर एतबार करते हो, जो आपके ऊपर यकीन करते हो, जो आपको मुश्किल में से निकालने के लिए। देखिए, उर्दू का एक लफ्ज़ है मोहसिन, दोस्त, यानी जो आपके आपके बड़े करीब और आपको समझने वाला होता है। तो आप इस तरह के लोगों को आइडेंटिफाई करके रखें और वो आपको इस चीज़ में जो है वो आगे लेके जा सकेंगे। ख्वातीन को इसमें अपना कॉन्फिडेंस बहाल करना पड़ेगा, ख्वातीन को हर वक्त अपने गिल्ट से निकलना पड़ेगा, अपने जेंडर को ब्लेम करने की तरफ से निकलना पड़ेगा कि वो खातून ना होती। आप देखें कि जो अडोलेसेंट लड़कियां हैं, जो यंग लड़कियां हैं, वो अमूमन इस सवाल से वो आपको ट्रेनिंग्स में कहेंगी कि काश हम लड़कियां ना होते, लड़के इस मुआशरे में बड़े पुरसकून हैं, लड़कों के लिए बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं, हम लड़कियों के लिए नहीं है, इसलिए कि उनको उनके वजूद को शुरू से ही जो है वो टारगेट किया जाता है कि लड़की होना कोई जुर्म है, लड़की होना, अगर लड़की होना कोई इतना जुर्म है, कोई ऐसी चीज़ है, तो कुदरत ने अब तक खवातीन को बनाना बंद कर दिया होता। हमें जो है वो अपने वजूद के हवाले से जो क्वेश्चनिंग है उसमें अपनी अपने वजूद की तरफ ये देखना पड़ेगा खवातीन को कि हमारा मकसद क्या है। कोई ना, हर कोई किसी ना किसी मकसद से आया है, तो ये एक चीज़ है। और एक अगर अगर आपका प्रोग्राम में आगे
पुलिस का क्या किरदार और पुलिस के पास आते हैं। जाते हुए क्या करना चाहिए, अगर उसकी तरफ भी आप जाना चाहें तो मैं हाँ क्या बोलूँ? बिल्कुल सिद्रा, उस पे आते हैं। इसी इसी के साथ मेरा अगला जो सवाल है वो ये है कि ये जो लोग बात करते हैं विक्टिम के बारे में, जिसके दिल में जो आता है वो बात करता है, उनको कोई सेंसिटिविटी नहीं होती, थोड़ा सा विक्टिम के राइट्स पे बात करते हैं कि जी जो विक्टिम है उसके राइट्स क्या हैं। जी, विक्टिम के तो देखिए उसका जो प्रोटोकॉल, अगर मेडिकल, लीगल, साइकोलॉजिकल, सोशल देखा जाए तो उसके तो बहुत राइट्स और उसके पास तो बहुत ज़्यादा मौजूद है कि उसको उसकी आइडेंटिटी रिवील ना की जाए, उसके नाम का ना असल नाम ना दिया जाए, उसकी तस्वीर कहीं पे शाया ना की जाए, उसकी तफसीलात ना किसी जगह पे शाया की जाए। जैसे आप देखते हैं कि अखबारात में अमूमन गली मोहल्ले का नाम, गांव का नाम, वालिद की जो नौकरी है उसके बारे में कि वो सरकारी मुलाजिम था या कुछ इस तरह, ये सब चीज़ें बता दी जाती हैं। तो विक्टिम का जो प्रोटोकॉल है, जो सर्वाइवर का प्रोटोकॉल है, वो ये है कि उसके बारे में किसी भी किस्म की कोई भी मालूमात जो है वो शाया ना की जाए, पब्लिश ना की जाए, और वो पब्लिश इलेक्ट्रॉनिक या प्रिंट है, ठीक है। हत्ता के जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के बाद जब फैक्ट फाइंडिंग के ऊपर, एक फैक्ट फाइंडिंग के ऊपर आपको पता है कि पूरा एक निज़ाम मौजूद है ह्यूमन राइट इदारों के पास कि फैक्ट फाइंडिंग कैसे करनी है, तो उस फैक्ट फाइंडिंग में आप उसका असल नाम भी ना लिखें, आप उसको स्टेरिक करके उसके नाम का इनिशियल कर सकते हैं, या आप उसको एक्स वाई जेड कर लें या कुछ कर लें, तो फैक्ट इतना ज़्यादा आपने अपनी रिपोर्ट्स में भी उसका नाम नहीं लिखना होता। जब हम सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस की रिपोर्ट्स बना रहे होते हैं तो इवन उसके ऊपर जो प्रोटोकॉल और उसके ऊपर एक गुड प्रैक्टिस है वो ये है कि आप उस वर्ड की फाइल को पासवर्ड दे दें, आप उसको पासवर्ड लगाएं, क्योंकि जो इंक्वायरी कमेटी है उसके पास जो है वो, जब ये रिपोर्ट जो है वो सर्कुलेट हो रही होगी, तो आपके पास उस सिर्फ वही उसको खोल के देख सकता है जिसके पास वो पासवर्ड होगा। क्योंकि आप ये देखें कि ऑफिसेस के अंदर, जैसे मिसाल के तौर पे ही मैं आपको ये समझा रही हूँ कि ऑफिसेस के अंदर लोग आते हैं चले जाते हैं, बाद इदारे तो रहते हैं, तो अगर कोई बाद में 4 साल बाद भी आया और उसको कमेटी मेंबर बनाया गया और उसके पास पिछले आर्काइव्स मौजूद हैं, तो वो एक्सेस ना कर सके जब तक कि उसके पास पासवर्ड ना हो कि कौन से साल में किस एम्प्लॉय ने किस को सेक्सुअली हरेस किया था। तो ये इतनी ज़्यादा प्राइवेसी और कॉन्फिडेंशियलिटी की बात है, तो रेप सर्वाइवर की तो इससे ज़्यादा कॉन्फिडेंशियलिटी और प्राइवेसी है। और अगर सबको इतना, सबको लगता है कि ये उनको दुख पहुंचा है, उनके अंदर इस वक्त एंगर था, उनके अंदर फियर डेवलप हो गया है, लोग इस वक्त बकायदा तौर पे इजहार कर रहे हैं कि वो इस वक्त सफ़र नहीं करना चाहते, वो इस वक्त रात के वक्त बाहर नहीं जाना चाहते, लोगों ने अपनी फैमिलीज़ को मना कर दिया कि मोटरवे पे ट्रैवल ना करें, आप अपने दिन में ट्रैवल करें, आप ये सब कुछ ना करें, तो ये वो सब कुछ है जिसको आपने पॉजिटिव एनर्जी में चेंज करना है। आपने ये करना है कि आपने अपनी ख्वातीन को या अपने इदारों को ये एहसास दिलाना है कि अब हम तो निकलेंगे बाहर, निकलना ज़रूरी है। देखिए आप ये देखें कि पेंडेमिक की मिसाल आपके सामने है, पेंडेमिक आपको कितना अरसा रोक सका है घर के अंदर, 2 महीने, 4 महीने, 5 महीने, इसके बाद तो आपको निकलना पड़ा है ना घर में से। तो इसी तरह आप किसको कैसे, अभी तो सबने सब जेल का तसव्वुर देखा है अपने घरों में, तो फिर वो औरत को अपने घर में कैद करने की कैसे बात करते हैं, कैसे वो बात करते हैं कि औरत को घर के अंदर रहना चाहिए। तो सबने अपने घर में देखा है कि COVID-19 के दिनों में जब लॉकडाउन था तो हर कोई घर के अंदर किस कदर अपने आप को जो है वो तंग महसूस करता था। तो बात वो करनी चाहिए या कद जा रुकावट और किसी के ऊपर पाबंदी वो लगानी चाहिए जो आप खुद भी अदा कर सकते हैं, आप खुद घर में रह सकते हैं, आप इतने अरसे के लिए रह सकते हैं जिसमें आप दूसरे को पाबंद कर रहे हैं कि इनको घर में रहना चाहिए। और मेरा ख्याल है कि अटैकर को घर में रात को रहना चाहिए, ना कि उसको जिसके ऊपर अटैक हुआ है, ठीक है, बिल्कुल अटैकर को रहना चाहिए। जिस अगर कोई शेर है वो बाहर फिर रहा है, तो शेर की मिसाल मैं बहादुरी के साथ नहीं दूंगी, खौफनाक हाँ हाँ तरीके बिल्कुल से, बिल्कुल 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 ठीक है, उसका बहादुरी के साथ उसकी कोई इस्तियारतन मैं तशबीह या उसकी मैं तो इस्तेमाल नहीं कर रही,
लेकिन अगर कोई खौफनाक जानवर जो है वो बाहर फिर रहा है तो उसको बंद करना पड़ेगा कि लोग जो आम लोग हैं उनको बंद करना पड़ेगा। इट्स अ कॉमन सेंस ना, मतलब पीपल नीड टू यूज देयर ब्रेन कि जो अटैकर है, जिसके अंदर प्रॉब्लम है, जो लोगों के लिए जानो माल के लिए प्रॉब्लम बना हुआ है, उसको बंद करना चाहिए या कि उसको कर देना चाहिए जिस जो कि कमजोर है। और आप तो अपनी हर खातून को जो है वो हम जो लेबल करते हैं, हम तो ये लेबल करते हैं कि इनके पास तो अकल ही नहीं है, इनके पास तो जहन ही नहीं है, इनके पास तो राय नहीं है, इनको कुछ नहीं है, तो फिर वो क्या तलाश करने जाती है रात के वक्त किसी को? ये बात को समझने की जरूरत है कि जो आपने आर्गुमेंट देना है उस आर्गुमेंट को दें जिसकी कोई कॉमन सेंस है, वरना जो है वो ये सिर्फ तनकीद बराए तनकीद होगी और मसले का हल जो है वो कोई भी नहीं निकल सकेगा। हाँ, और इसमें जो एक अहम बात है जो मैं इसमें ऐड करूंगी वो ये है, क्योंकि बहुत अहम है जो आपने बातें की हैं, इसमें एक अहम ये है कि ये भी नहीं है कि हम ये कहें कि जी ये सिर्फ हुकूमत की जिम्मेदारी है, ये सिर्फ उसकी जिम्मेदारी है, ये उसकी जिम्मेदारी है। माशरे के हर फर्द का उसका जो भी अकीदा है, जो भी उसका जिन्स है, जो भी उसका जो भी उसकी एज है, हर बंदे की इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और अच्छा, जिस भी शोबे से वो है, ये नहीं कि अगर सिदरा जो है वो वुमेन राइट्स के लिए काम करती है तो ये सिदरा का टॉपिक है, अगर हम मैं किसी एनजीओ में काम करती हूँ तो ये मेरा टॉपिक है। ये इस जिम्मेदारी से कोई मुबर्रा नहीं है। और ये जिम्मेदारी जो सबसे पहली शुरू होती है, जिसपे सिदरा ने बात की कि देखें, हम बार बार इसमें बड़ा फख्र से कहते हैं हम अशरफुल मखलूकात है, हमें शऊर दिया गया है, हमें अकल दी गई है, वो कहाँ इस्तेमाल करने के लिए दी गई है? वो यही कि आप जब भी कोई बात करें, जब भी कोई अमल करें, उसे थोड़ा सा तवक्कुफ, थोड़ा सा पॉज लें, एक लम्हे का पॉज लें और सोचें कि उसका इम्पैक्ट क्या होगा इस माशरे पे। और ये अगर सच्चे दिल से लोग रोल की बात करते हैं, अगर ये सच्चे दिल से हमने अपनी जिंदगियों में हर इंसान ने इंडिविजुअली ये अप्लाई करना शुरू किया तो बहुत सारी चीजें ठीक हो सकेंगी। हम बहुत आगे निकल गए हैं, हम तो उस मूड में चले गए हैं कि अगर कोई बात होती है तो हम ये फर्ज जरूर समझते हैं कि इस बुराई पे अगर बात होगी तो माशरा खराब होगा। वो बुराई नहीं हमें खराब नजर आएगी, जो ये हो रहा है आजकल आप देख रहे हैं जो सोशल मीडिया पे डिस्कस हो रहा है। सो यही है कि अपने आप से आगाज करें। सिदरा मैं आती हूँ अब बड़े एक और अहम उसकी तरफ, सारी बड़ी अहम है जो कानून है हमारे इस वक्त मौजूद। हमारा ये भी है कि खुशकिस्मती है, जो चीजें अच्छी है उसको हम अप्रिशिएट करते हैं कि हाँ कानून मौजूद है, कोशिश भी की जा रही है। इस वक्त हुकूमत और बहुत सारे इदारे सरगर्म भी हैं, उसमें से कुछ चीजों पे बात हो सकती है, जिस तरह सजा की बात है, लेकिन आज हम शायद आखिर में उसके बाद थोड़ा सा बात करें। उस पर हम चाह रहे हैं हम पूरा एक सेशन रखें जो सजाओं की बात है, उस पर वो बात होगी। आज हम सिर्फ इसकी ट्रीटमेंट के हवाले से बात कर रहे हैं, रिहेबिलिटेशन की बात कर रहे हैं, सिस्टम की बात कर रहे हैं। सो जब मैं इसकी बात करती हूँ तो कानून एक की बुनियादी चीज़ है, और साथ में फिर ये भी है कि चलें अभी तरक्की इंसानों ने कर ली है, डीएनए जैसे टेक्नोलॉजी भी आ गई है कि जो शायद पहले अगर ये टेक्नोलॉजी नहीं थी तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम मुझे लगता है कि होता हुआ होगा। आपने इन चीज़ों को बहुत अरसे से आपने फैसिलिटेट किए, डील किया है, तो आपको अंदाज़ा होगा कि जब ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं थी तो कितनी मुश्किल थी, और अभी अगर ये आ गई है तो फर्क क्या आया है? क्या डीएनए जो है अब हर केस में किया जाता है, इसकी फैसिलिटीज अवेलेबल है, क्या ये लॉ का इस तरह हिस्सा है कि ये हर केस में अप्लाई किया जाएगा? और ये जो कानून बजाते खुद है, ये बेसिक कुछ चीजें बता दें कौन कौन से एस्पेक्ट्स की आपको हिफाजत देता है जो कि आपको इंसाफ के हुसूल में मदद कर सकता है। वुमन प्रोटेक्शन एक्ट 2006 जो है उसके मुताबिक खातून जो है वो खुद जाकर फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट को या थाने में या अस्पताल जाकर शिकायत अपनी दर्ज करवा सकती है कि उसके साथ ऐसा हुआ। और ये जो आपने जो सवाल किया है डीएनए की जो बात की, हाँ डीएनए की जो बात है उसमें इस कानून के मुताबिक ये सेकेंडरी एविडेंस है, ठीक है, ये प्राइमरी एविडेंस नहीं है, ये सेकेंडरी एविडेंस है। यानी पहला जो है वो जो एविडेंस है वो डेफिनेटली मेडिको लीगल है, ठीक है, मेडिको लीगल होगा। और मेडिको लीगल में जैसे मैंने बताया कि तीन उसमें से स्वाब्स लिए जाते हैं, यानी तीन लफाफे बनाए जाते हैं उसके अंदर जो जिस्म पे मौजूद मवाद है, तफसील है जिस्म के ऊपर
कोई खराश है, कोई कट है, कोई नाखूनों की खरोच है, कोई कुछ भी जो जिस्म से मिला है और पोशीदा अज़ा से मिला है, वो सब का सब उसमें लिखा जाता है। ठीक है, तो वो सब जो है वो इनिशियल रिपोर्ट है और वो ही मेडिको लीगल जो है वो बैकबोन ऑफ द रेप सर्वाइवर्स कंप्लेंट है कि उसने जो कहा है उसके मुताबिक ये वाली चीजें उसके जिस्म से मिली हैं। यहाँ पर एक बहुत ज्यादा बारीकी वाली बात है कि बाज दफा नशावर अद्वियात खिला के पिला कर जिनसी ज्यादती की जाती है, उस वक्त जिस्म पर कोई भी रेजिस्टेंस के निशानात नहीं होते। ठीक है, तो इस कानून के जरिए जो है वो डीएनए इसलिए भी मस्ट कर दिया गया था, वो मस्ट था कि डीएनए की वजह से कम जिस्म के अंदर, खून के अंदर कम अज कम, या यूरिन के अंदर जो है, या सीमन के अंदर इस तरह के अज़ा मिल जाते हैं जिससे कि पता चलता है कि क्या अंदरूनी की जो केमिकल्स हैं वो कौन से ऐसे केमिकल्स हैं जो किसी के अंदर गए हैं। तो ये जो है ये भी एक बहुत बड़ी इस कानून की वजह से पेशरफ्त हुई और आसानी हुई, जिसकी जो अब सेक्सुअल अब्यूज का कोई भी केस है उसमें डीएनए मस्ट है, डीएनए करना होगा। डीएनए के लिए जो है वो मुद्दई को अपनी जो इस जो कंप्लेनेंट है उसको जाना पड़ेगा अपने अपना डीएनए करवाने के लिए। डीएनए करवा तो दिया इस कानून ने और उससे सहूलत भी मिल गई, लेकिन अगर डीएनए की एक तफसील बताऊं तो वो भी एक बहुत दर्दनाक प्रोसेस है, क्योंकि उसके अंदर अगर आप ये सोचें कि राजनपुर से एक लड़की चलती है या मर्दान से चलती है और वो अपने मेट्रोपॉलिटन सिटी के अंदर आती है, तो वहाँ पर आने के लिए उसको खर्चा चाहिए, उसको पैसे चाहिए, उसकी मोबिलिटी एक इशू है, और बूढ़ा बाप या वालदैन जब लेके अपने बच्चे को चलते हैं डीएनए करवाने के लिए तो पुलिस उनको यही कहती है कि इसकी जो फीस है वो आपको अदा खुद करनी होगी, और वो करनी होती है। 12,500 तक की इसकी फीस है, और किसी कमज़ोर फैमिली के लिए, जो कि कमज़ोर से मुराद तो सिर्फ फाइनेंशली कमज़ोरी की बात कर रही हूँ, कि वरना जो जो शिकायत करता है वो बहुत मजबूत होता है, उससे ज़्यादा ताकतवर कोई नहीं होता। तो कमज़ोर जो जो माशी मजबूरी है उसकी बुनियाद पे 12,500 रुपया जो है उसके ज़रिए डीएनए का टेस्ट करवाना जो है वो कयामत से कम नहीं है, वो बहुत मुश्किल चीज़ है। और फिर आप ये देखें कि जिन पेनाफ्रीज पे और जिन आप छोटे इलाकों से, शहरों से निकल के बड़े शहर में जो केमिकल एजेंसी है, जो लैब है, आप वहाँ पर आके जब अपना डीएनए के लिए आते हैं तो आपको एक रात रास्ते में आ जाती है कि आपको ट्रेवल करने के लिए मौजूद होते हैं आप, तो आपको कहीं पे शेल्टर लेना पड़ता है, कहीं पे रात गुजारनी पड़ती है। तो ये उससे भी ज़्यादा तकलीफ दे बात है, और मुझे तो ये कहने में कोई मुजायका नहीं है कि एक दफ़ा ऐसा वाकया होता है और उसके बाद अगर आप जब आप शिकायत दर्ज करवाते हैं तो रोज आपके आपको उसी सूली पे चल लटकना पड़ता है, और आप उन्हीं अंगारों पे चल रहे होते हैं अपने आप को प्रूव करने के लिए, क्योंकि जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है उसमें द बर्डन ऑफ द प्रूफ लाइज विद द कंप्लेनेंट, तो उसको बार बार अपनी प्रूफ के लिए आपको अपने आप को पेश करना पड़ता है, उसको देना बताना पड़ता है कि देखें जी मैं हाजिर हूँ, आप मेरे लिए कर लें जो मेरा मुआयना करना है या जिस तरह से भी। और कागजों का पेट भरने के लिए, मैं हमेशा से ये लफ्ज बोलती हूँ कि कागजों का पेट भरने के लिए उसको जो है वो बार बार कहानी सुनानी पड़ती है, कभी अदालत के सामने, वो तो खैर बिल्कुल आखिर में जाके होता है, लेकिन उसको कभी पुलिस के सामने, और पुलिस की भी कभी उसको मुहर्रर के सामने, कभी उसको तफ्तीशी के सामने, कभी उसको एसएचओ के सामने, फिर उसको बड़ा अगर कोई अफसर जो है उसकी नज़र पड़ गई है उस केस के ऊपर, या हाई प्रोफाइल केस हो गया जैसे कि ये वाला केस है, तो अगर इसमें उसको नहीं पड़ती है कोई अपनी, तो फिर से वो कहानी सुनाएगी, फिर सिस्टम को जो है यकीन दिलाना पड़ता है कि वो जो बोल रही थी इतनी देर से बोल रही थी वो सच था। और इस सिस्टम के अंदर तो ये प्रॉब्लम है कि अगर वो कहीं से याददाश्त में कोई उसको ट्रॉमा की वजह से कोई कमी बेशी हो जाती है, कुछ हो जाता है, तो ये सिस्टम, ये लोग, ये अफराद, ये इतने जजमेंटल हैं कि ये कहेंगे पहले तो आपने ये कहा था और अब आप ये कह रही हैं,
और इसका एक और बहुत बड़ा और बारीक एंगल जो है वो शायद मैं ये कहना चाहूंगी, क्योंकि गैंग रेप की सजा जो है वो सजाए मौत है, तो कोई नहीं रोक सकता। गैंग रेप की सजा सजाए मौत है, ये ऑर्गेनाइज क्राइम है, ठीक है, ये मिलके किया जाता है, ये नियतन किया जाता है, ये प्लान करके किया जाता है, ठीक है, तो ये ऑर्गेनाइज क्राइम है, इसके बारे में सोचा जाता है कि ऐसा करना है, तो ये स्ट्रेटजी बनाई जाती है इसके ऊपर। ये ऐसा नहीं है कि आपके सामने पानी का ग्लास पड़ा है, थोड़ी देर आपने पी लिया, फिर उसके बाद नहीं नहीं थोड़ी देर बाद नहीं, ये इसको एब्रप्टली नहीं होता, ठीक है, इसके बारे में प्लानिंग मौजूद है, इसके बारे में पहले से लोगों के, जिसे कहते हैं ना, शर्म उतरी हुई है, उनको डर नहीं है, उनको पता है कि इस सिस्टम के अंदर से मैं बहुत आसानी से निकल जाऊंगा। तो गैंग रेप पे मुझे तो बहुत खुशी होती है कि इसके ऊपर जो सजा है वो कोई छोटी सजा नहीं है, ठीक है, ये बाद में अदालत के ऊपर डिपेंड करता है कि अदालत जो है वो उसको 25 साल उम्र कैद में तब्दील कर दे, या अदालत ये कहे कि नहीं, इससे क्योंकि माशरे में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई, तो ये वुमेन प्रोटेक्शन एक्ट की ही वजह से ही ऐसा है कि जो है वो सजाए मौत है गैंग रेप के अंदर। एक फर्द से भी ज़्यादा अगर अफराद जितने करते हैं, एक के अलावा दो हैं, तीन हैं, चार हैं, पांच हैं, तो सब जो है वो सजाए मौत की सजा के मुस्तहिक होंगे अदालत के जरिए। तो इस वजह से ये वुमेन प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो ये सहूलत जो है वो दे रहा होता है। थैंक यू सिद्रा, और जितने लोग हमें देख रहे हैं मैं उनका भी शुक्रिया अदा करती हूँ कि हमारी जो आज की गुफ्तगू है ये थोड़ी सी लंबी हो गई है, और इसके लिए हम माइंडफुल थे, क्योंकि हम ये इशू ऐसा है कि इसके बहुत सारे एस्पेक्ट्स ऐसे हैं कि हम नहीं चाहते थे कि हम उन सबको अभी भी कवर नहीं कर सकते, लेकिन ये था कि हम उनको टच ज़रूर करना चाह रहे हैं, क्योंकि जो बेसिक इंफॉर्मेशन है वो हम आज डिस्कस कर सकें। तो दरमियान में आप उठ सकते हैं, आप अपने लिए पानी ले सकते हैं, अपने लिए चाय ले सकते हैं, फिर आके हमारे साथ इस गुफ्तगू में शरीक हो सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं। आप लोगों के कमेंट्स जो हैं वो मैं साथ साथ पढ़ रही हूँ, और कोशिश मेरी ये है कि मैं सिद्रा के साथ जो मेरे पहले से सवाल जहन में है वो उनमें उनको मैं अकोमोडेट करूँ। बहुत सारे कमेंट्स तो क्लियर ये है कि बहुत सारे लोगों जो लोग जो हैं वो तायीद कर रहे हैं जिस जिन चीज़ों की सिद्रा बात कर रही है, और वो उसमें ऐड भी कर रहे हैं, सो थैंक यू। दूसरा ये है कि सारे सवाल को हम नहीं ले सकते, लेकिन दरमियान दरमियान में कुछ सवाल को मैं आखिर में कोशिश करूंगी थोड़ा सा सिद्रा के साथ बात करूँ। लेकिन सिद्रा जो है वो हमारे वुमेन वॉइस पाकिस्तान का ही एक हिस्सा है, हमारे बहुत सारे और भी प्लेटफॉर्म्स हैं, कि हमारा वास्ता इंशाल्लाह आगे भी आएगा, और ये कमेंट्स को भी सिद्रा से मेरी दरख्वास्त होगी कि इन कमेंट्स को थोड़ा सा जब टाइम अगर मिलता है पढ़ लें, कोई ऐसा कमेंट जिसका रिस्पांस ज़रूरी है तो मेरी रिक्वेस्ट होगी सिद्रा से कि वो इसलिए दे कि अगर किसी को इस हवाले से किसी भी इंफॉर्मेशन की ज़रूरत है तो हमारी कोशिश है कि हम अपना ये फ़र्ज अदा करें, और ये हमारी कंट्रीब्यूशन है कि हम उनको कहें जिस तरह आज की ये गुफ्तगू है। सिद्रा, आपने कानून पे बहुत तफसीली बात की जो कि बहुत अहम है, क्योंकि हमारे लोगों को कानून का इतना आसानी से पता नहीं चलता, क्योंकि उनकी लैंग्वेज ऐसी होती है या हमारे वो जो लीगल एस्पेक्ट्स होते हैं उस पर बहुत पढ़े लिखे लोगों को नहीं पता होता कि उसके अंदर क्या चीज़ें होती हैं, क्या कमियां हैं, क्या बेहतरीन चीज़ें हैं, क्योंकि आपने कुछ बहुत बेहतरीन एस्पेक्ट्स की तरफ भी बात की आपने जो कि बहुत अहम है। एक काविश है, हाँ कवानीन आगे बेहतर बनाए जा सकते हैं, क्योंकि ये सहीफे नहीं होते कि इसको बदला नहीं जा सकता, बाद में जब इम्प्लीमेंटेशन में आपको कोई चीज़ हर्डल लगती है तो उस पर होना चाहिए कि जो हमारे कानून साज इदारे हैं, जो हमारी असम्बलियाँ हैं, वो उसमें फिर तरामीम लेके जाएं लोगों के मशवरे पे, आप जैसे एक्सपर्ट्स के मशवरे के मुताबिक, सिविल सोसाइटी के मशवरे के मुताबिक, और उनमें तरामीम करते जाएं ताकि ये लॉ वाकई बहुत परफेक्ट बन सके मुस्तकबिल में, और वाकई इंसाफ का हुसूल जो है वो तेज़ भी हो सके और हर जगह भी पहुँच सके। सिद्रा, जब हम इन कानून की अमल दरामद की बात करते हैं तो फिर जब आप इन कानून पर अमल दरामद होता है तो आप ऐसे कुछ इदारे बनाते हैं, ऐसे फैसिलिटीज बनाते हैं कि जिससे वो लॉ जो होता है वो सही मायनों में इम्प्लीमेंट हो सके और लोगों को वो रिलीफ मिल सके। जब मैं पढ़ रही थी आज आपके साथ बात करने से पहले तो दो टर्मिनोलॉजीज मेरे बहुत जगहों पर मैंने देखी, एक बहुत सारी जगहों पे लिखा गया था कि स्पेशल विक्टिम्स यूनिट्स होनी चाहिए, फिर रेप क्राइसिस सेंटर्स की बात थी, तो
तो जब मैंने उनके बारे में तफसील से पढ़ा कि यहाँ पे होता क्या है, तो वो बड़ी अच्छी मुझे लगी। लेकिन मुझे कमी लगी कि मैंने शायद पाकिस्तान में इसके हवाले से इतना ज्यादा सुना नहीं है कि आया दे एग्जिस्ट, और अगर एग्जिस्ट करती हैं हमारे आसपास, तो कोई ऐसी जगह है कि जिसका हम एज अ मॉडल डिस्कस कर सकते हैं, उसको पाकिस्तान के दूसरे हिस्सों में मुतारिफ कराया जा सकता है। और अगर नहीं है तो मतलब क्यों ये होनी चाहिए, क्योंकि इससे भी शायद उन लोगों को जो इदारे चलाते हैं, जिनके पास रिसोर्सेज हैं, वो इसके बनाने में अगर कोई किरदार अदा कर सकते हैं। तो मैं चाहती हूँ आप इस पे बताएं कि क्या ऐसी फैसिलिटीज अवेलेबल है, ये जो लॉ आपके इसका जिक्र किया, और अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, और इसको कैसे फिल किया जा सकता है। मॉडल से ज़्यादा तो मिसाल के तौर पे मैं आपको बताऊंगी कि पंजाब में जो है वो वुमेन क्राइसिस सेंटर का एक कानून पास हुआ था जिसमें ये कहा गया था कि हर डिस्ट्रिक्ट में एक क्राइसिस सेंटर जो है वो बनाया जाएगा, जिसको मॉडल के तौर पे मुल्तान में बनाया गया। और वो वुमेन क्राइसिस सेंटर जो है वो क्योंकि मुल्तान में भी इसलिए बनाया गया कि साउथ पंजाब के जो केसेस थे उनकी नौइयत जो है वो इंतहाई दिलखराश और खौफनाक थी, जिसमें न्यूड परेड है रेप सर्वाइवर की, या पंचायत की तरफ से पूरे जो है वो तमाम अफराद जो हैं वो गैंग रेप करेंगे और इस तरह की चीज़ें, जिसमें कम उम्र बच्चियों के साथ भी मैंने केस किया कि इसमें कम उम्र बच्ची को के साथ रेप करने के लिए पूरी पंचायत ने हुक्म दिया कि इसके साथ ए बारी बारी जाकर रेप किया जाए। तो साउथ पंजाब में ये क्राइसिस सेंटर मौजूद है और इस क्राइसिस सेंटर का मकसद जो है वो ये था कि वहीं पर ही उस सर्वाइवर जैसे ही जाए उसका वहीं पर एफआईआर कटे, मेडिको लीगल वहीं पे हो, वहीं पे वो साइकोलॉजिस्ट उसको अटेंड करे और जब वो स्टेबल हो जाए तो तब वो वापस जो है वो अपने फैमिली के पास चली जाए। इसके ऊपर बहुत लंबी बात हो सकती है। मैं ऐसी सर्वाइवर्स को जानती हूँ जिसमें सर्वाइवर वहाँ पे रही हैं लेकिन उनको सहूलत जो है वो उस तरह से 100% नहीं मिल सकी, क्योंकि आ जाके लोग तो वही आपके पास है ना जो उसी माशरे से आए हैं, जो जजमेंटल हैं और जो ये सोचते हैं कि ऐसा हो गया है और अब किस्मत ही तुम्हारी ख़राब है, तुम्हारी तो किस्मत ख़राब है जिसकी वजह से हो गया। हम ये नहीं कहते कि तरबियत ही ख़राब है, हम डायरेक्ट कह देते किस्मत ख़राब है, तो उसकी वजह से ऐसा रहा। और मुझे ऐसे लगता है कि बहुत ज़्यादा प्रोफेशनलिज्म की ज़रूरत है ऐसे क्राइसिस सेंटर्स को बनाने के लिए, ठीक है, क्योंकि देखिए इसके ऊपर हकूम जो आपके टैक्सेस का है वो पैसा लग रहा है और वो एक स्ट्रक्चर खड़ा कर देना मकसद नहीं होता। मकसद ये है कि वहाँ पे जो सहूलियात हैं, जो वहाँ पे एक्सपर्ट बैठे हैं, जो वहाँ पे लोग हैं, वो इतना प्रोफेशनलिज्म का मुजाहरा करें कि वहाँ पर जो सर्वाइवर आए वो कम अज़ कम इतना सोशल और सोशली वो इतना कॉन्फिडेंट होके बाहर निकले कि वो कम अज़ कम कोई इंस्पिरेशन इस तरह से लेके जाए कि ठीक है मेरे साथ जो हुआ अब उसके बाद मैं ज़िंदगी में आगे कैसे अपने आप को लेके जाऊँ। तो आप ये देखें कि अगर मैं मिसाल दूं कि एक क्राइसिस सेंटर है जिसमें एक रेप सर्वाइवर है और वो उसको वहाँ पे आपने दाखिल करवा दिया है, ठीक है, तो इदारे के जो लोग हैं जैसे सुपरिटेंडेंट होगी या सारे लोग हैं उन्होंने तो रात को अपने घर चले जाना है, तो सर्वाइवर के पास जो है वो तो बिल्कुल अजनबी लोग होंगे, तो ऐसे मौके पे उसे इंतहाई अपने करीबी लोगों की ज़रूरत होती है। तो हकूमत को या इदारों को या कोई ऐसी एनजीओ जो ऐसे प्रपोजल्स बनाती हैं या कुछ करती हैं उनको ये चाहिए कि वो इसके ऊपर बहुत बारीकी से देखें कि कानून जो जो भी इस तरह के इदारे मौजूद हैं। इसके अलावा जो है वो मुफ्त कानूनी सहूलत के लिए जो है वो बेनज़ीर भुट्टो क्राइसिस सेंटर भी मौजूद हैं पंजाब में, और ये भी क्योंकि क्राइसिस सेंटर मैंने आपको बताया कि पंजाब में ही है, तो इन क्राइसिस सेंटर के हवाले से आप कल्चर जो है वो बहुत काउंट करता है, यानी उस प्रोविंस का कल्चर बहुत काउंट करता है, उस प्रोविंस का माइंडसेट बहुत ज़्यादा काउंट करता है कि वहाँ पर लोग जो हैं वो बनने भी देते हैं कि नहीं, ठीक है। और एक जो गैर जिम्मेदाराना रवैया जो है लोगों के अंदर, मैं तो ये कहूँगी कि पुलिस है या मेडिको लीगल ऑफिसर है या साइकोलॉजिस्ट है,
ठीक है, ये सब वो लोग सिर्फ और सिर्फ वहां पर मौजूद होने चाहिए रेप सर्वाइवर के लिए, जिनके अंदर इंडिविजुअल पर्सनल कमिटमेंट और विलिंगनेस है कि वो ऐसे सर्वाइवर को हैंडल करने की ताकत, ज़हनी ताकत रखते हैं, क्योंकि ये नर्व शैटरिंग है. इट्स नॉट ईजी टू डील रेप सर्वाइवर डे एंड नाइट. रेप सर्वाइवर जो है वो किसी और स्टेट ऑफ माइंड में होता है, ठीक है, उसको फ्लैशबैक्स होते हैं, वो आसान जिंदगी नहीं गुजार रहा होता. तो उसके साथ आपको जो अपनी जिंदगी और अपनी कमिटमेंट जोड़नी पड़ती है, वो सिर्फ ऐसे कमिटेड लोग जो लिख के देने के लिए, या आई एम सॉरी आई थिंक लाइट जाने वाली है या दरवाजे बजने वाले हैं, आंधी आ रही है और बहुत सा शोर होने वाला है. तो आप जो ऐसे लोग हैं वो सिर्फ कमिटेड लोग होने चाहिए और किसी को नहीं. आप ऐसे कोई क्राइटेरिया में टॉप पे जो चीज है वो ये चीजें हैं जो मैंने आपके साथ जिक्र किया. थैंक यू सिद्रा. बिल्कुल, मुझे लगता है इस्लामाबाद का मौसम जो है वो थोड़ा सा बिगड़ रहा है. लेकिन इससे पहले कि हम ख़त्म करें, मैं जितने लोग हमारे साथ थे, देख रहे थे, हमारे बहुत सारे साथी भी थी, बुशरा भी थी, फरत भी थी, शाहिद नसरीन भी थी, बहुत सारी ख्वातीन थी जिन्होंने बहुत कंट्रीब्यूट किया है. कॉमेंट्स में मैं पढ़ रही हूँ आपकी हर तकरीबन हर बात की उन्होंने वैलिडेशन की है और कहा है कि यस ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, इसकी ज़रूरत है. लेकिन एक और चीज़ भी मैं कहूँगी, जिस तरह सब ने नोट भी किया होगा कि जब सिद्रा ये सारी बात कर रही है तो आपको सिद्रा की बातों से अंदाज़ा हो गया होगा कि सिद्रा का इसमें तजुर्बा ये है कि इसने सिद्रा को बहुत काम कर दिया है. बहुत वो नहीं होता कि आपके अंदर वो इस दुख से, इस अलम से, सारी चीज़ों से आपके अंदर एक धीमा सा पन आ जाता है, लेकिन आप फिर भी सिद्रा की विलिंगनेस देखें कि हर सवाल पे सिद्रा ने जिन जिन इश्यूज को टच किया है, ये सारे बहुत बेसिक एलिमेंट्स हैं. अगर हम इस रेप कल्चर को समझना चाह रहे हैं, अगर इसको ख़त्म करना चाह रहे हैं, तो दीज आर द वेरी बेसिक थिंग्स. और मैं इंशाल्लाह मुस्तकबिल में भी हम सिद्रा के साथ इस मौजू पे बात करते रहेंगे. इसमें जितने मौजूदात को हमने अंदर अंदर छेड़ा है, इस पे मजीद जानने के लिए हम सिद्रा के साथ बात करेंगे और हमें सिद्रा जैसी ख्वातीन पे हमें फख्र है कि हमारे साथ ऐसी ख्वातीन भी हैं कि जो बहुत सारी ख्वातीन का हौसला बन सकती हैं, उनसे सीख सकती हैं, उनका हौसला बन सकती है. सो थैंक यू सो मच सिद्रा फॉर ऑल दिस, बहुत बेहतरीन बात करने का. उन लोगों का भी शुक्रिया जिन्होंने हिस्सा लिया है, देखा है. मैं ज़रूर इन सब से कहूँगी कि जिन्होंने देखा है, और बहुत सारे लोग लिख भी रहे हैं कि आज की जो गुफ्तगू थी बहुत अहम थी, बहुत मुअसर थी, इसको शेयर करें, इसको लोगों के पास लेके जाएं. हम इसका यूट्यूब लिंक भी आपके साथ शेयर कर देंगे. इस गुफ्तगू को फैलाएं ताकि लोग इसको देखें, क्योंकि हमारे साथ बदकिस्मत ये है कि आपको मेन स्ट्रीम मीडिया पर इस तरह की गुफ्तगू बहुत कम मिलेगी, और बहुत सारी बातों पर आपको मिलेगी लेकिन ये गुफ्तगू आपको बहुत कम मिलेगी. सोशल मीडिया पर भी सोशलाइजेशन चीज़ें बहुत ज़्यादा होंगी लेकिन ये मौजूद इस तरह इन डेप्थ बात बहुत कम आपको मिलेगी. सो हमारी एक छोटी सी काविश थी लेकिन इसको अब आप लोगों ने कामयाब बनाना है कि हम सिर्फ आपके पास खुद आई हैं, खुद आपको ये प्लेटफॉर्म क्रिएट करके दिया है. अब ये आपका प्लेटफॉर्म है, इससे ये फ़ायदा लें कि इसको दूसरे के साथ शेयर करें और ख़ुद भी इससे फ़ायदा उठाएं. ये मैं समझती हूँ ये एक मैनुअल है, एक ट्यूटोरियल है लोगों के लिए इस इशू को अगर वो समझना चाहते हैं. ख़त्म करने से पहले मैं सिद्रा आपकी तरफ आती हूँ और मैं कहती हूँ कि मेरे जहन में जितनी बुनियादी चीज़ें थी, एस्पेक्ट्स थी, वो मैंने आपके साथ डिस्कस की और आपने मुझे बहुत बेहतरीन चीज़ें मुझे पता चली हैं. इवन मैं समझती हूँ कि जो सबसे एक हमें बहुत सारी चीज़ें मान भी लेनी चाहिए अगर हम गलती करते हैं. मुझे शायद अभी थोड़ा सा लगा, अभी मैंने एक चीज़ जो अभी बदली इस दौरान मैंने वो बदली, वो ये था कि हम रेप विक्टिम की तस्वीर लगा देते हैं, जो हमें मिल जाती है ना, व्हाट्सएप पे मिल जाती है, ट्विटर पे मिल जाती है, वो हम लगा देते हैं. ये सबसे पहले मुझे रियलाइज़ हुआ कि अगर आज के बाद, चूँकि मैं इस इशू पे बोलती हूँ, तो मैंने आइंदा कभी भी विक्टिम की तस्वीर, उसकी चीज़ों का एहतियात करना है कि उसकी तस्वीर ब्लर्ड कर दें या वो, क्योंकि उससे मसले बनते हैं. क्योंकि सही बात है, ब्लर भी करें और दूसरों को भी इस बात के ऊपर पोलाइटली समझाएं कि ऐसी ऐसे शेयर ना करें, फॉरवर्ड ना करें अपनी बात. देखिए, रेज योर आर्गुमेंट नॉट योर वॉइस, ठीक है ना. अपना अपना जो आपका आर्गुमेंट है उसको जो है वो मौसर होना चाहिए, ना कि आपकी आवाज़ को.
तो अपनी आवाज़ को इस तरह से पहुंचाएं कि लोगों को बताएं कि अगर आपको इस वाक्य के ऊपर दुख होता है, तकलीफ़ होती है और आप बहुत खौफ महसूस करते हैं, तो आप ये सोचें कि हमारे साथ तो अल्हम्दुलिल्लाह नहीं हुआ, जिसके साथ हुआ है वो किस कदर मल्टीप्लाई हो रहा है, उसकी तकलीफ़ में इजाफा कर रहा है। तो ये प्रोटोकॉल ऑफ विक्टिम एंड सर्वाइवर है कि बच्चा भी है ना, आप तकलीफ ना लगाएं, आप मना करें लोगों को, आप साफ कहें कि नहीं सॉरी आप ना करें, आपको पता नहीं था, तो ये जो है वो अब हम आपको बता रहे हैं, तो आप इस चीज को जो है वो फ्यूचर में जो है वो आप इसको प्रैक्टिस करें। ये बहुत जरूरी है क्योंकि अपने जैसे लोगों को बताना पड़ेगा कि आप कहाँ पे गलती कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, और ये मैंने इसलिए कहा सिदरा खसूसी तौर पर कि अगर हम कोई गलतियां पहले से करते आ रहे थे, ठीक है, और अगर उसका हम खुल के कह सकते हैं कि हाँ मुझे ये रियलाइजेशन नहीं थी, ये इसलिए बताना चाहिए कि ताकि दूसरे लोगों को पता चल सके कि वो अपने अंदर ट्रेस कर सके अपनी गलतियों को। इसलिए मैंने कहा कि हाँ मैंने नोट किया कि शायद चूंकि मैं इस इशू पे बात करती हूँ तो मैंने शायद कहीं कहीं इस चीज़ का ख्याल नहीं रखा, आइंदा मैं इस चीज़ का बहुत ख्याल रखूंगी। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें और भी पता चली है। और हमारी बुशरा जो हमारी दोस्त है उसी ने एक बात की है, मैं उसी को शामिल करूंगी कि यस चलें आज ये अहद करें इस बात, ये जो गुफ्तगू इसके आखिर में कि हम इकट्ठे हों और ये जो हमारी स्ट्रगल है फॉर फ्रीडम के सबकी फ्रीडम की, इसमें सबकी फ्रीडम है, हम उस बंदे की भी फ्रीडम की बात करते हैं जो इस तरह के हादसात को सुन के उसको जो स्ट्रेस मिलता है, हम उस तक की भी बात करते हैं। और इस वायलेंस से इस सोसाइटी को बचाएं, अपने आप को बचाएं, सबको बचाएं, और यही हमारी कमिटमेंट है जो कि इंशाल्लाह आगे होगी। सिदरा कमेंट्स बहुत बेहतरीन आ रहे हैं, बाद में आप उसको जरूर पढ़ लीजिएगा। आखिर में मैं चाहती हूँ अगर कोई ऐसा एस्पेक्ट जिस पे आप आखिर में सिर्फ कोई एक दो बात करना चाह रही है उस पर करें, एंड देन वी विल जस्ट एंड द सेशन। मैं बस ये कहूँगी कि एम्पथी को जो है वो प्रैक्टिस करें, फील योर सेल्फ इन टू समवन अदर्स शूज के उसको कैसा महसूस हुआ होगा, या अगर मेरे साथ ऐसा हो तो फिर मैं कितनी तकलीफ में होंगी, तो दूसरे की तकलीफ का एहसास करें। एम्पथी जो है इससे पहले हमें सिंपथी आ जाती है। अभी मैं ये देख रही हूँ कि आवाम के अंदर, लोगों के अंदर सिंपथी बहुत ज़्यादा है, एम्पथी नहीं है, तो हमें एम्पथी की स्टेज तक जाना है। मैं इतने सालों में मैंने जो है वो अपने अंदर एम्पथी इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर ली है कि बाज़ दफ़ा ये एम्पथी मेरे लिए हार्मफुल हो रही है। अभी मुझे ऐसा लगता है कि मुझे भी कुछ ऐसे बर्नआउट्स हैं मेरे, जिसमें मैं कमज़ोर पड़ती हूँ, या मैं कहती हूँ कि बस अब तो शायद आखिरी केस ही था जिस पे मुझे अफसोस हुआ है। लेकिन हम सबको एम्पथी को जो है वो प्रैक्टिस करना है, और एम्पथी को एक्सप्लोर करें, इसको गूगल करें, इसको डिस्कस करें, इसको लर्न करें। ये सर्वाइवर को हीलिंग में हेल्प देता है, और सर्वाइवर की हीलिंग जो है उसकी एक इंडिकेटर बता दूं कि जिस दिन एक औरत अपनी दर्द भरी कहानी बनाते हुए रोए नहीं बल्कि मुस्कुरा के जद्दोजहद का बताएगी, उस दिन वो हील हो चुकी होती है, उस दिन वो उठ के खड़ी हो चुकी होती है, उस दिन वो कुछ और बन चुकी होती है। तो आप जो है वो किसी के लिए हीलर बने, ना कि उसके लिए जो है वो तकलीफ दे बने। तो ये जो है ये बहुत अहम बात है कि आपने उसकी हीलिंग में हेल्प करनी है। इवन कोई आपके इर्द गिर्द भी है, उसके साथ भी छोटा सा कुछ वाकया हो गया है या कुछ है, तो वो उसमें उसकी हीलिंग में हेल्प करें, ना कि उसकी तकलीफ में इजाफा करें। और हम जब सिदरा हम सर्वाइवर्स की बात करेंगे तो हम मुख्तारा माई का नाम जरूर लेंगे कि वो बिल्कुल एक मिसाल है उन ख्वातीन के लिए कि वो सर्वाइवर है, वो आज भी जब बात करती है तो आज वो नहीं रोती। हाँ बहुत उसको हमने रोते हुए देखा है, और ऐसी बहुत सारी ख्वातीन हैं कि जो हमारे इर्द गिर्द है, और इस गुफ्तगू से उनके खानदान को और उनको उन लोगों को जिस कर्ब से कभी गुजरे हैं, चाहे वो सालों पहले हो, लेकिन ये जो आज गुफ्तगू हो रही है उनसे उनको दर्द मिलता है। इसलिए सोच समझ के बात करें, और सोच समझ के जब बात करें तो हमदर्दी ना करें, हमदर्दी ना जताएं, बल्कि उनके शूज में खड़े होके महसूस करें। हालांकि हम महसूस भी नहीं कर सकते, जिसके साथ वो कहते हैं आग
गर्मी वहां होती है जिसके पैरों तली जमीन जिस जमीन तले आग जल रही होती है। सो एम्पथी को भी शायद रियलाइज करना अभी हम सीख रहे हैं, मैं खुद इस पे बहुत काम कर रही हूँ, और उसके कॉस्ट भी, जिस सिद्रा ने बात की, बहुत बड़ी कॉस्ट भी उसकी होती है कि आप बहुत ज्यादा पे हावी हो जाता है। लेकिन इंशाल्लाह ये सफर जो है ये जारी रहेगा, हमारी हिम्मतें नहीं टूटेंगी, हमारी उम्मीदें नहीं टूटेंगी, दुख जरूर होगा, दर्द जरूर होगा, हम भी इंसान है तो अपने इर्द गिर्द देखते हैं, लेकिन हिम्मत हमने नहीं हारनी, उम्मीद हमने नहीं तोड़नी। और इसी के साथ मैं हमारी आज की जो गुफ्तगू है इसको मैं एंड करती हूँ। सिद्रा आपका बहुत बहुत शुक्रिया इतने लंबे टाइम के लिए मेरे साथ होने का, इतना टू द पॉइंट होने का, इतनी अहम और बेहतरीन बातें बताने का इस मौजू के हवाले से। खुश रहें, आबाद रहें, और आपको जिंदगी भर सुकून मिले, कामयाबियां मिले। थैंक यू। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। थैंक यू।